शुरुआत करते हैं आज की थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे बेटा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेगा। आप ये चाहते हो कि मैं आज ही पढ़ लूँ और 3 महीने बाद नौकरी लग जाऊं, बिल्कुल लग सकते हो, लेकिन आज आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको मंजिल तक जाना है तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और अभी भी खूब सफिशियंट समय है बेटा, बिल्कुल घबराए नहीं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे, इन स्लाइड वालों से दूर रहे कि 3 महीने बचे हैं, मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, मैं मेरी किताबें ले लो और ये कॉपी कर लो, उनसे दूर रहे। मेरा कहने का मतलब यही है, अपने आप पे यकीन रखें। इधर उधर यूट्यूब फ्री के फोकटों के चैनल में भागने से बंद है, कहीं पेड देके आप पढ़ना शुरू करें तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इधर उधर भटकने वाले लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। यस, थैंक यू सो मच। सो मेहनत करते रहे डेफिनेटली, और आपको पता ही छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटे छोटे परिवर्तन जिंदगी में आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। अच्छे बने रहेगा, मेहनत करते रहिएगा, डेफिनेटली आपके सपने पूरे होंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपन, और धीरे धीरे प्रयास करते रहेगा। बात यहां अपन करेंगे बेटा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट जो कैंसर है बेटा, ये आपके ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये जो चारों तरफ स्ट्रक्चर से एरियोला बोलते हैं, और ये जो बीच के अंदर जो आपका प्रोट्रूज पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हैं, मोंटगोमरी ट्यूमरकल, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब चीजें क्या होती है, ब्रेस्ट की एनाटॉमी क्या होती है, आपके ब्रेस्ट के बारे में जानेंगे अपन। यहाँ थोड़ा देखिएगा बेटा, ये एनाटॉमी में आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, यहीं से आपका सिस्टमेटिक शुरुआत हो जाएगी। और ये जो शुरुआत होगी आपकी सिस्टमेटिक जो शुरुआत होगी बेटा, ये सिस्टमेटिक जो शुरुआत होगी यहाँ पे बेटा, इसमें अपन एनाटॉमी का जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा अपन एक ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, नॉर्मली ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, जो प्रोट्रूज पार्ट है बाहर की तरफ से, निपल बोलते हैं, इसके द्वारा मिल्क का क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है बेटा, क्लियर है। आरिवास में इसके चारों तरफ एक ब्लैक टाइप के एरिया होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। और दिस इज द एरोजेनस जोन। एरोजेनस जोन का मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है बेटा। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्लियर बच्चों। एमएसएन लगभग बेटा 60% तक आने लग गया आजकल एम्स में, क्लियर बच्चों। इसके अलावा यहां पे ये देख रहे हो छोटी छोटी डक्ट जो मिल्क ला रही है, क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा ये जो आपकी मेमोरी डक्ट ग्लैंड है, वो छोटी छोटी डक्ट से बनी हुई है, जिन्हें क्या बोलते हैं, लोब्स। और लोब्स किसमें बटी हुई थी, लोबुल्स के अंदर बेटा, क्लियर है। इसके अलावा ये सेकेंड रिब्स से लेकर सिक्स्थ रिब्स के बीच के अंदर सिचुएटेड होता है आपके ब्रेस्ट, गेटिंग माय पॉइंट। और जो एरियोला होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास होता है बेटा, सबसे नीचे की तरफ आपका सबकोर्टिकल आपका बेटा, कौन सी मसल होगी, पेक्टोरलिस मेजर नाम की मसल होगी बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा आपका वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रो मेमोरी स्पेस होंगे, आपका सबकोर्टिकल टिश्यू पाए जाएंगे, जो फैट, ये जो दिख रही है आपकी येलो फैट वाला पार्ट है, ये आपकी लोब्स और लोबुल्स वाला एरिया है, ये आपका डक्टल एरिया, और ये क्या है, निपल्स है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे क्या अपन बोलते हैं, ब्रेस्ट, गेटिंग माय पॉइंट। और ये फीडिंग कराने में हेल्प करता है, सेक्सुअल एक्सपेंशन में योगदान है, और इससे रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ब्रेस्ट कैंसर होती है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे, और 100% यहां से क्वेश्चन बनने वाला बेटा। देखिएगा जैसे बेटा, देखिएगा ये फेसिया वाला रीजन हो गया, ये जो मसल्स हो गए बेटा, ये पेक्टोरलिस मेजर नाम की मसल होगी बेटा, क्लियर है। ये जो देख रहे हो आप थर्ड नंबर का एरिया, ये लोब्स हो गई है बेटा, ये जो हो गया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये निपल वाला एरिया होगा, ये जो चारों तरफ देख रहे हो ये क्या कहलाएगा, एरियोला कहलाएगा बेटा, क्लियर है। ये जो छठे नंबर पे दिख रही है वो लैक्टिफेरस डक्ट हो जाएगी आपकी, कौन सी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये जो 7 नंबर पे दिख रहे हो आप येलो कलर की, ये सब क्यूटेनस फेट वाला एरिया हो गया, और ये जो दिख रहे हो आप स्किन वाला एरिया हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपके एक ब्रेस्ट का निर्माण होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, और किस तरह से आपका, क्लियर है। आप देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एरियोला वगैरह, लिम्फेटिक सप्लाई वगैरह, इनके बारे में जानेंगे, डक्ट वगैरह क्या है। इसकी जो सिचुएशन है वो सेकेंड रिब से, कहां से, सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब्स के बीच में होती बेटा, और यहां से यहां तक की दूरी, यानी आपकी सबकुटेनियस फेट वाला एरिया है आपका, यहां से लेके आपका निपल तक जो टोटल इसकी लेंथ है वो 20 से 22 सेंटीमीटर तक आसपास होती है बेटा, कितनी, 20 से 22 सेंटीमीटर तक, क्लियर है। इनका एवरेज जो वेट है वो 400 से 500 ग्राम के बीच होता है ईच, क्लियर है बच्चों, दोनों ब्रेस्ट का, इज इट क्लियर और नॉट। और जो ब्रेस्ट होती है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं, क्लियर है। बहुत सेक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन के अंदर रुडिमेंट्री होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, आपके पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, गेटिंग माय पॉइंट। लोकेशन जो होती है ये सुपरफेशियल पेक्टोरल फेशिया के वाले एरिया में होती है, वर्टिकली सेकंड टू सिक्स रिब तक होती है, और हॉरिजॉन्टली है मिड लाइन से लेके आपके कहां तक होती है, एक्सिलरी मिड एक्सिलरी लाइन तक होती है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। इसकी टोटल अपन 4 लोब्स में बांट सकते हैं, एक अपर आउटर क्वाड्रेंट, दूसरा अपर इनर क्वाड्रेंट, तीसरा लोअर आउटर क्वाड्रेंट एंड लोअर इनर क्वाड्रेंट। इसके अलावा एक इस तरह से प्रोट्रूजिंग पार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं,
गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ कुछ तरह की आपकी चार लोब होगी, अपने यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे अपर और आउटर कॉर्टेक्स जो होता है राइट ब्रेस्ट का, कौन सा बेटा राइट ब्रेस्ट का अपर एंड आउटर, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर यही होते हैं, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर कौन से में होते हैं, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में। तो ये अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। गेटिंग माय पॉइंट? पोजीशन आपने अपन डिस्कस करी बेटा, इसके अलावा अपन यहाँ देखेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, फ्लोर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपके फेसिया होते हैं, निपल का क्या स्टोमेशन, आपका लोब्स कितनी होती है, लोबुल्स कितनी होती है, लैक्टिफेरस डक्ट क्या होती है, देखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ डिटेल में क्या करने वाले बच्चों, डिस्कस करने वाले, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपका, क्योंकि यहां से डेफिनेटली 100% यहां से क्या आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपन। देखिएगा ब्रेस्ट जो है वो छोटी छोटी लोबुल से भरा होता है, लोबुल डक्टल्स में खुलती है, डक्टस लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है, लैक्टिफेरस डक्ट लैक्टिफेरस साइनसेस बनते हैं, और वो किस में ओपन होती है, एरियोला में। तो ये क्या स्ट्रक्चर होती है, इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे ज्यादा कैंसर जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर कहाँ होता है, लैक्टिफेरस डक्ट में, और सबसे कम होते हैं, सबसे लेस कहाँ होते हैं बेटा, लोबुल्स में। तो इनके बारे में भी अपन जानेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो फोर्थ टू सिक्स इंट्रोक्शन नर्व, और आपकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज की जो नर्व है T4 लेवल की, थोरेसिस फोर वर्टेब्राज की नर्व जो होती है वो वहां की सप्लाई करेगी। इसके अलावा इसके डायग्नोसिस में अपन क्या यूज करते हैं, मेमोग्राफी। अरे क्या यूज करते हैं बेटा, मेमोग्राफी। तो ये इमेज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मेमोग्राफी मशीन। अरे कैसी मशीन है बेटा, मेमोग्राफी मशीन है ये, देखिएगा उसका आपका कंट्रोल पैनल है, और दिस इज द मशीन। ये जो एरिया है इसके अंदर अपन यहाँ ब्रिस्ट को इस तरह से फीमेल टच कराती है, और इसको कंप्रेस करके अपन एक्सरे व्यू लिया जाता है, ताकि लंब का पता लगा सके। सो दिस इज द मेमोग्राफी व्यू। मेमोग्राफी जो करते हैं, देखिएगा इस तरह से आपको ट्यूमर फाइंड आउट होता है, वो नॉर्मल ब्रेस्ट है और ये आपका ट्यूमरस ब्रेस्ट है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा अपन बायोप्सी ट्यूमर जो मार्कर है उसके लिए अपन कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो CA15.3 क्लियर ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा लंग और ओवेरियन कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकता है, पर मेनली कौन से ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करता है, क्लियर है। आल्सो एलोटेड इन बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन व्हेन हाउ यू टू स्टेज डिजीज मंथ एंड ट्रीटमेंट एंड, क्लियर है। स्टेजिंग का पता लगाना ब्रेस्ट कैंसर का, क्लियर है। और ब्लड सैंपल से इसका अपन क्या पता लगाने के लिए यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। देखिएगा देखो आपने बताया ये राइट ब्रेस्ट है, और आउटर और अपर क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट क्या होते हैं, कैंसर होते हैं बेटा, क्लियर है, आरिबास में इस तरह से। और देखिएगा इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, और एरियोला के अराउंड बेटा क्या होता है, ऑरेंज पीली स्किन अर्ली सिम्टम देखने को मिलता है। तो अपन इन सब के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, यहाँ पूरा डिटेल में अपन क्या करने वाले बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए आपका सिंबल कौन है, तो बेटा आपका पिंक रिबन। अरे कौन सा रिबन बेटा, पिंक रिबन इज द सिंबल ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, इंटरनेशनल सिंबल है। तो इन सब के बारे में अपन यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले बेटा, तो शुरुआत करें। थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये ब्राइटनेस थोड़ा पॉसिबल नहीं होता ड्यूरिंग क्लास, यहाँ तक कोई डाउट है, चलेगा शुरुआत करते हैं अपन। आपके लक्ष्य की तरफ अपन बढ़ते बेटा, छोटी छोटी बातें और सलक्षण। गुड मॉर्निंग सभी को, नेक्स्ट देखिएगा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी लाइव आ जाओ बेटा। चलेगा शुरुआत करते हैं अपन, सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट, यहां से 100% आपका क्वेश्चन बनने वाला है। कुछ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिव्यू अपन यहां पे पढ़ लेते हैं बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां मैं आपको, क्लियर है बच्चों, यहां मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, हार्मोन किस तरह से योगदान देते हैं। आप पढ़ते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार है, मेमोग्राफी ग्रोथ हार्मोन कौन सा ब्रेस्ट का, कौन किसका योगदान है, वो अपन आज सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, पूरा का पूरा अपन रिव्यू कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत प्यारा टॉपिक है, और दिल गदगद हो जाएगा। 100% एक क्वेश्चन आएगा एम्स में, कोई माई का लाल या कोई माई की लाली यहां से क्वेश्चन बनने से नहीं रोक सकता। जय श्री राम बेटा, खमागणी, जय माता जी की सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, सत श्री अकाल, राम राम, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट जो होते हैं बेटा, क्लियर है, टू इन नंबर, नंबर में कितने होते हैं, पहली बात तो होते हैं बेटा दो, किसी के एक है तो ध्यान रख लेना कमी है भाई बॉडी में, और ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो ब्रेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, टू इन नंबर, क्लियर है। प्रोमिनेंट इन मेल, सॉरी प्रोमिनेंट इन फीमेल, फीमेल में थोड़े क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? रूडिमेंट्री इन मेल, मेल में रूडिमेंट्री होते हैं, मतलब अपवाद होते हैं, अवशेष होते हैं, क्लियर है। फीमेल की तुलना मेल में क्या होते हैं, और मेल में कौन से, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपके यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपका क्या देखने को मिलता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निपल देखने को मिलता है।
तो मेल में छोटी सी स्ट्रक्चर है लेकिन फीमेल में क्या है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है गेटिंग पर। एंड दिस इज अ ब्रेस्ट, जो अगर बात करें अपन ब्रेस्ट की अगर बात करें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। क्लियर है, कौन सा ऑर्गन है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। क्लियर बेटा, ओवरी को छोड़ के सारे फीमेल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो किस में पड़े जाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर। सो दिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, व्हाट इज द ब्रेस्ट। क्लियर बच्चों, आल्सो कंटेन एरोजेनस जोन, एरोजेनस जोन पाया जाता है, इसलिए सेक्सुअल स्टिमुलेशन में क्या करते हैं ये आपका योगदान करते हैं बेटा। क्लियर है, इसके लिए आप पालन पोषण यानी दूध का निर्माण बच्चे के लिए वो भी कहां से होता है बेटा? ब्रेस्ट से होता है। तो कुछ थोड़े क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, केवल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एक ही होता है ओवरी, यानी वो ऑर्गन जो जर्म सेल बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल ऑर्गन। तो ओवरी है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब किसके अंदर पड़ते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में। क्लियर है, आरिबास में नंबर में दो होते हैं बेटा, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद आ जाइए बेटा नेक्स्ट, देखिएगा यहां अपन यहां डिस्कस करें बेटा ब्रेस्ट के बारे में, गेटिंग माई पॉइंट। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की बात करें बेटा, क्लियर है, तो ब्रेस्ट आर स्टार्टेड डेवलप्ड एट फोर्थ वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब मदर कितने वीक की प्रेग्नेंट होगी तो उसका चाहे मेल हो चाहे फीमेल बेबी हो, उसके जो ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू करेंगे वो कितने वीक पे बेटा? था फोर्थ वीक पे, यानी आपका कौन सी, दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कैसा डेवलपमेंट है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? फोर्थ वीक का मतलब एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है, फोर्थ वीक का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों getting my point, तो breast are started to develop at fourth week of gestation, clear, embryonic development की बात करें बेटा। and ये जिनकी development की बात करें तो breast जो develop होते हैं बेटा ectoderm से develop होते हैं। अरे किससे डेवलप होते हैं? कौन सी? germ layer से, ectoderm से। इसके अलावा अपन बात करें बेटा अब breast and क्वेश्चन पढ़ते जाना, पहला ectoderm से डेवलप होते हैं फोर्थ वीक के gestation के दौरान, breast and external os of cervix never revert back in nulliparous stage, very 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 important। अपने reproductive changes के दौरान पढ़े होंगे pregnancy के दौरान, तो pregnancy के अंदर reproductive changes जो पढ़ते हैं वो दो organ, good morning बेटा मोना, clear है राधा रानी, good morning। यहां अगर बात करें अपन कि कौन से वो organ है female reproductive system में जिनमें आपका बेटा प्यूपेरियम प्रोसेस नहीं चलती है या वो रिवर्ट बैक नहीं होते प्री प्रेग्नेंट स्टेज की तरह, तो गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहां पे अगर बात करें तो ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल लॉस ऑफ सर्विक्स नेवर रिवर्ट बैक इन न्यूलिपेरस, यानी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद ये ऑर्गन की अगर साइज बढ़ गई तो बड़ी ही रहेगी और एक्टोडर्म से डेवलप होते बेटा। क्लियर है, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं बेटा, कुछ बुकों में क्या लिखा है लेकिन आंसर जो माना जाएगा, ब्रेस्ट आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी जो पसीने की ग्रंथियां है, क्लियर बच्चों, स्वेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। दीज द ब्रेस्ट आर द मॉडिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों, मॉडिफाइड क्या है? स्वेट ग्लैंड है। सो ब्रेस्ट आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अरे ब्रेस्ट कैसी है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो ब्रेस्ट जो होते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनता है ब्रेस्ट के चारों तरफ मोंटगमरी ट्यूबरकल पाए जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? मोंटगमरी ट्यूबरकल्स आर मॉडिफाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अ सबेसियस ग्लैंड। ध्यान रखना मोंटगमरी ट्यूबरकल कैसी है, तो मॉडिफाइड सबेसियस ग्लैंड होती है बेटा, ध्यान रखना मोंटगमरी ट्यूबरकल। जबकि ब्रेस्ट कैसी होती है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, बात ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल। यहां तक कोई डाउट है? सो ब्रेस्ट आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, वेयर एज मोंटगमरी ट्यूबरकल आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड। क्लियर बच्चों, एंड दीज आर नेवर रिवर्ट बैक इन न्यूलिपेरस स्टेज, एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं और फोर्थ वीक की प्रेगनेंसी के दौरान इनका क्या हो जाता है बेटा? डेवलपमेंट हो जाता बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, इनके वेट की अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो जो प्यूबर्टी के आसपास, जो आपका प्यूबर्टी टू लेके मेनोपॉज के आसपास, इसका जो बीच का समय है, क्लियर, अलग अलग एज पे अलग अलग होता है। एवरेज बेटा 450 से 450 ग्राम के आसपास दोनों ब्रेस्ट का वेट होता बेटा, ब्रेस्ट का जो वेट होता है वो 450 से 450 ग्राम के आसपास होता बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, आरिबास में ये जो डेवलपमेंट होता है, क्लियर है,
ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट स्टार्टिंग में आपके कैसे होते बेटा, रुडिमेंटरी होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल बेबी हो, अरे बस में 12-13 साल तक दोनों में ब्रेस्ट है ना पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, केवल और क्या होता है निपल की मार्किंग होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लियर टेलर एंड मार्शल, अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी, कौन सी थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डेवलपमेंट की फर्स्ट जो प्रोसेस है बेटा प्यूबर्टी डेवलपमेंट की, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी डेवलपमेंट इज थैलार्ची, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और थैलार्ची में क्या होता है ब्रेस्ट बड्स डेवलपमेंट, यानी फीमेल जो बेबी होती है उसकी अगर अपन बात करें प्यूबर्टी आने का जो ड्यूरेशन है, तो अपन पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले टेलर और मार्शल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं, तो थैलार्ची होती है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों, यस डियर, तो किस में आता बेटा, अपन क्या कह रहे हैं टेलर एंड मार्शल के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है बेटा, थैलार्ची, थैलार्ची का मतलब होता है बेटा क्या, ब्रेस्ट बड्स डेवलपमेंट, यानी ब्रेस्ट सबसे पहले डेवलप होने वाले ऑर्गन है प्यूबर्टी के समय इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल ऑफ प्यूबर्टी डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्यूबर्टी डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या डेवलप होता है बेटा, आरिबास में, गेटिंग माय पॉइंट, आरिबास में, यहां तक कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिएगा, और ये बेटा जो क्या होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने पढ़ा था मोन्टगमन ट्यूमर ब्रेस्ट के बारे में अपन जान रहे हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं बेटा आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और ये किस तरह की होती है, एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है, एपोक्राइन होलोक्राइन मीरोक्राइन तीन तरह की ग्लैंड होती है, तो ये एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड होते हैं ब्रेस्ट बेटा, मोन्टगमन ट्यूबरकल आर मॉडिफाइड स्पेसिस ग्लैंड, जबकि ब्रेस्ट कैसे होती है स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने की ग्रंथियों से बनी होती है, ब्रेस्ट एक्सटर्नल सर्विक्स एंड ब्रेस्ट कभी भी निवर रिवर्ट बैक नहीं होता, और एक्टोडर्म से डेवलप होने वाली ऑर्गन है, 400 से 450 ग्राम वजन है, 4 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान बनना शुरू हो जाते हैं, और लगभग लगभग प्यूबर्टी ये कब 10 साल के आसपास 10 ईयर के आसपास आपके पहली बार क्या होते हैं ब्रेस्ट प्रोमिनेंट दिखते हैं फीमेल बेबी में, दिस इज अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल दिस इज नोन एज अ थैलार्ची, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है थैलार्ची, इज इट क्लियर और नॉट, नेक्स्ट देखिएगा आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें वरना आगे बढ़ते हैं, लंकापति रावण पढ़ने में ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट देखिएगा यहां तक कोई डाउट है, उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ अपन बात कर लेते हैं अपन ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में, देखिएगा ब्रेस्ट के अपन डेवलपमेंट की बात करें बेटा, इस तरह से देखिएगा बेटा ये सबसे लास्ट वाली लेयर देखिएगा, जैसे यहां रिब्स वगैरह है, ये रिब्स हो गई क्लियर है, रिब्स है, रिब्स के ऊपर की तरह बेटा ये वाला जो एरिया देख रहा है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया फेसिया, अब देखिएगा इस फेसिया के ऊपर देखिएगा बच्चों यहां पे एक मसल्स का निर्माण होता है क्लियर, इस मसल्स को क्या बोलता है बेटा पेक्टोरलिस मेजर, यानी ब्रेस्ट किस मसल्स के ऊपर लाइज करता तो पेक्टोरलिस मेजर पे, ये ध्यान रखना ब्रेस्ट किस पे रेस्ट करता तो पेक्टोरलिस मेजर नाम की जो मसल है, गुड मॉर्निंग अजय परमार थैंक यू बेटा, पेक्टोरिस मेजर मसल्स पे लाइव करते कौन ब्रेस्ट बेटा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा टॉपिक, अब देखिएगा यहां डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस तरह से बेटा यहां पे क्या बनेगी छोटी छोटी डक्ट बनेगी, इस तरह से इन्हें क्या बोलते हैं बेटा लोब, अरे क्या बोलते हैं लोब, और लोब जो होती है बेटा वो छोटी छोटी किससे बनी होती है लोबुल से, अरे किससे बनी होती है लोबुल से, इसके चारों तरफ बेटा, इसके अलावा यहां आसपास में क्या होगी इस तरह से क्या देखने को मिलेगा आपको, ये बीच बीच के अंदर सबक्यूटेनियस फेट देखने को मिलेगा, अरे क्या देखने को मिलेगा सबक्यूटेनियस फेट देखने को मिलेगा, इज इट क्लियर और नॉट, आरिबास में क्लियर, तो लोब्स किससे बनी होती है लोबुल से, लोबुल्स फिर क्या होती है बेटा डक्टल्स में ओपन होती है क्लियर, इस तरह से लगभग 15 से, और लोब्स कितनी होती है लगभग लगभग 15 से 20 लोब होती है ध्यान रखना आपका, गेटिंग माय पॉइंट, और ये छोटी छोटी किस में ओपन होती है लोबुल्स, किस में ओपन होती है आपका बेटा डक्ट में क्लियर, इन डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा लैक्टिफेरस डक्ट, कौन सी डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके क्या बनाती है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक खाली स्पेस बनाती है जो मिल्क को स्टोर करती है, उन्हें क्या बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनसस, अरे क्या बोलते हैं इनको लैक्टिफेरस साइनसस बोलते हैं बेटा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें वरना आगे बढ़ते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, एरियोला वाले रीजन पे, और यहां से फिर ये सब किस में ओपन होंगे निपल में, अरे किस में होंगे निपल में, लैक्टिफेरस साइनसस किस में ओपन होंगे निपल्स में,
और यहाँ पे चारों तरफ एक इरोजनस जोन का निर्माण होगा जिसमें हाई अमाउंट में आपकी सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एरियोला। क्लियर बच्चों, क्या बोलते हैं? एरियोला। इस तरह से आपकी ब्रिस्ट की एनाटॉमी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी आपका फेट होगी, सबकुटेनियस फेट होगी। क्लियर? अंदर की तरफ रिब्स और फेसिया वाला रीजन होगा। सबसे जो बेड पे जो मसल्स होगी वो कौन सी होगी? पेक्टोरिस मेजर। फिर क्या होंगे? लोब, 15 से 20 लोब, लोब से लोबुल्स, लोबुल से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस साइनसेस, और फिर क्या होता है? निपल, और निपल्स के द्वारा बेबी का शक करने पे मौत में जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपका क्या होगा, ब्रेस्ट का आपका आपका बेटा चेस्ट से और यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो लगभग लगभग होती है बेटा 20 से 22 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से ब्रिज डेवलप है तो आपकी रिब से लेके बाहर निपल तक की जो दूरी है आपकी वो कितनी है? 20 से 22 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है। गेटिंग माय पॉइंट? वेट इसका अलग अलग होता है। एवरेज वेट 400-450 ग्राम होता है। फीमेल की साइज के अकॉर्डिंग कुछ 500 ग्राम के हो सकते हैं, कुछ 1 किलो तक के ब्रेस्ट की साइज हो सकती है। डिपेंड करता है साइज कैसी है। क्लियर है? बॉडी में हार्मोन कैसे बन रहे हैं। क्लियर है? लेकिन ये डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो बेटा कहां से? थैलार्ज किससे शुरू होती है? पहले मेल और फीमेल में बराबर होता है ब्रेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? आरिबास में। और ये रिप्रोडक्टिव एज तक चलते हैं। मेनोपॉज के बाद वापस ब्रेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आरिबास में? यस डियर, न्यू कंसेप्ट बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, तो 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर बनती है। यानी कैसी बन रही है आपका बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, रिब्स केज आ गई। आरिबास में? गेटिंग माय पॉइंट? आरिबास में आपका ब्रेस्ट फेसिया आ गया, ब्रेस्ट का फेसिया वाला रीजन आ गया। क्लियर? सबसे पहले कौन सी मसल्स आती है? पेक्टोरलिस मेजर। कैसी मेजर? पेक्टोरलिस मेजर। और ये जो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स, और एक और ध्यान रखना, इसकी जो सिचुएशन है वो कहां से कहां है? तो सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब्स के बीच में। ये सिक्स्थ रिब नीचे की तरफ, सिक्स्थ रिब इसके बीच में आती। गेटिंग माय पॉइंट? आरिबास में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होगी। इसके चारों आसपास के एरिया में वेरी वेरी एंड आपका क्या होगा? सबक्यूटेनियस फेट होगा बेटा। सबक्यूटेनियस फेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका किसका निर्माण होगा? लोब्स का। लोब्स होगी लगेगा बेटा 15 से 20 आपकी लोब्स। गेटिंग माय पॉइंट? लोब्स किसमें ओपन होगी? लोबुल्स में। क्लियर? लोबुल्स में। लोबुल्स कितना अंदर बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट में। गेटिंग माय पॉइंट? किसके अंदर? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट किसके अंदर? लैक्टिफेरस साइनसेस में। साइनसेस का मतलब खाली जगह। और ये क्या होता है? स्टोरर ऑफ मिल्क, टेम्पररी स्टोरर ऑफ मिल्क। मिल्क को टेम्पररी क्या करता है? स्टोर करता है कौन? लैक्टिफेरस साइनसेस। और लैक्टिफेरस साइनस लगभग 15 से 20 ओरिफिस के द्वारा, छेदों के द्वारा, छिद्र के द्वारा किसमें ओपन होते हैं बेटा? निपल में। और निपल को सक करने से क्या होगा? ब्रेस्ट बॉडी से बाहर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी, मिल्क बॉडी से बाहर आएगा। इस तरह का आपका एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेस्ट। इस तरह से आपका अंदर से बाहर के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। किसके अंदर? ब्रेस्ट में। अब देखिएगा बेटा, अब मैं 2-3 आपको चीजें बता रहा हूं, देखिएगा। अब अपन बात करें, टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं लोब्स में बेटा, लेस कैंसरियस पार्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका इन एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेल है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इस लैक्टिफेरस डक्ट में 80% क्या होते हैं बेटा? कैंसर होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से में? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी बातें और शलक्षण। इज क्लियर और नॉट? तो अपन क्या बात करेंगे, सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है बेटा कौन से होते हैं? इंट्राडक्टल कार्सिनोमास, यानी लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। लैक्टिफेरस डक्ट जो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। अरे किससे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू से। और एक तरह से ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है तो कार्सिनोमास हो गए। मैक्सिमम आपका 80% जो होता है बेटा इंटरडक्टल कार्सिनोमा होगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? और सबसे कम इंटरलोबार होता है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनके बारे में अपन जानेंगे पूरा डिटेल में कि ये किस तरह के कैंसर होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, सारी डिटेल जानेंगे। मैंने थोड़ी आपको एनाटॉमी पढ़ाई है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? और जो निपल जो एरिया होता है वो फोर्थ निकोसल स्पेस वाले एरिया पे होता है बेटा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, आरिबास में। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, और आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं अपन। अरे किसकी सप्लाई की बात करते हैं? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें ब्रेस्ट की, सिंपली अगर बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई को, उनको देख लेना, एक आध क्वेश्चन बन जाता बेटा। क्लियर है? आरिबास में आपका देखिएगा, पहली जो ब्रांच होती है वो एक्सिलरी आर्टरी, और ये लेटरल थोरेसिस वाले रीजन वाले के पार्ट को, लेटरल का मतलब इस वाले हिस्से को, साइड वाले को हिस्से को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी बेटा? थोरेसिस आर्टरी, सॉरी एक्सिलरी आर्टरी, लेटरल थोरेसिस वाले हिस्से को सप्लाई करती है। इज इट क्लियर और नॉट? आरिबास में? अरे कोई डाउट है बेटा? इसके अलावा कुछ और ब्रांच बनती है जिन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज की जो ब्रांचेज है,
वो किसको सप्लाई करती है बेटा आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसको आपका बेटा, ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई में किसकी बात कर रहे हैं, आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज सेम का सेम होता बेटा, वीनस ड्रेनेज बेटा एक्सिलरी आपकी वेन्स होती है। कैसी वेन्स, एक्सिलरी वेन। कौन सी वेन, एक्सिलरी वेन के द्वारा आपका यहां पे क्या होगा, ड्रेनेज होगा। इज इट क्लियर ऑर नॉट, आरिबास में क्लियर बेटा। इसके अलावा यहां पे क्या बनेगा, सब एरुलर क्लियर, वीनस प्लग्जेस का निर्माण होगा, उनके द्वारा ड्रेनेज होगा क्लियर बेटा। इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, इनके द्वारा भी आपका क्या होगा, ड्रेनेज होगा। एक्सिलरी को आप चाहो तो हटा दो क्योंकि ये इसी की ब्रांचें होती है, तो सब एरुलर वीनस प्लग्जेस और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के द्वारा इसका वीनस ड्रेनेज होता है। ये तो बात होगी, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, क्लियर बेटा। ये तो बात होगी किसकी बेटा, ब्लड सप्लाई की आपकी, कि एक्सिलरी आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी के द्वारा ब्लड मिलता है किसको, आपके ब्रेस्ट को, क्लियर। और वीनस जो ड्रेनेज होता है, सब एरुलर वीनस प्लग्जेस और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के द्वारा इसका वीनस ड्रेनेज होता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब आपका, अरे बच्चों समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीजें पकड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिम्फेटिक बेटा। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे ज्यादा जो आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो आपके जो आपके कहां जाते हैं, कहां पे बेटा, ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ज्यादा आपके मेटास्टेसिस होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम से, क्योंकि कार्सिनोमा है और कार्सिनोमा लिम्फेटिक से, जबकि सार्कोमा ब्लड से फैलता है, पढ़ा अपन ने डिटेल में। गेटिंग माय पॉइंट, तो क्लियर है लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको थोड़ा समझ लेना है। और सबसे ज्यादा, फिर यू पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस कहां होता है, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में, तो अपन क्या आंसर देते हैं, बोन में, आसपास की जो रिब्स की बोन है उनमें सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस होता है। तो उसका कारण जानेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक। अब आ जाइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर सबसे जो बड़ा पार्ट है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड बेटा, एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्लियर बेटा। और लिम्फेटिक ड्रेनेज का मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मैक्सिमम मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय लिम्फ, अरे किसके द्वारा मेटास्टेसिस होता है, लिम्फ के द्वारा मैक्सिमम क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, क्लियर है। एक्सिलरी लिम्फ नोड आपके यहां पे काम करेंगे, इज इट क्लियर और नॉट, आरिबास में, क्लियर बेटो। इसके अलावा कोई डाउट है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, दूसरे कौन से बेटा, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, क्लियर है। ये दोनों के दोनों आपका ड्रेनेज करेंगे, इसके द्वारा 75% और लगभग 25% इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड के द्वारा ड्रेनेज होगा, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। आप बताओ, ब्रेस्ट अगर कैंसर होगा तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के द्वारा मेटास्टेसिस होगा, तो ये ब्रेन के अंदर, आपका बोन के अंदर, लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस होगा कि नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर किसके द्वारा मेटास्टेसिस होते हैं, तो लिम्फ के द्वारा, क्लियर बच्चों। तो ये अपन कारण जानेंगे, जब मैं आपको साइंस चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होते हैं कारण, क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर बच्चों। अनुराग चौधरी बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी वेटेज बताऊंगा, कोर्स ज्वाइन कर से पता चल जाएगा किसका कितना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद। आ जाइए बच्चा, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, बाकी कोर्स कैसे आएगा, एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वीडियो पिन कर रखा है यूट्यूब पे जाके देखें आप, क्लियर बच्चों, एम्स नोसेट 2021 के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा लिम्फेटिक ड्रेनेज के बाद नर्व सप्लाई की बात कर लेते बेटा, थोड़ा सा किसकी बात कर लेते हैं, नर्व सप्लाई की, ब्रेस्ट को नर्व सप्लाई किसके द्वारा, क्योंकि रेडिएटिंग पेन होगा सीवियर यहाँ पे, अगर लास्ट स्टेज होगी, अर्ली स्टेज में नहीं लेकिन लास्ट स्टेज में आपको क्या फील होगा, पेन होगा। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलो भाई, अरे यहां तक कोई डाउट है भाई लोगों, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद, आगे बढ़िएगा थोड़ा और, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नर्व सप्लाई के बारे में बात कर लेते बेटा। सिंपली अपने यहां पे नर्व सप्लाई में, क्लियर है आरिबास में, क्लियर है आरिबास में, क्लियर बेटा। तो फोर्थ टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल जो नर्व होती है, क्लियर है, उनकी ब्रांच होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, उनके द्वारा आपकी सप्लाई होती है, गेटिंग माय पॉइंट, मैक्सिमम पार्ट को, फोर्थ टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल जो नर्व होती है, क्लियर बच्चों, उनकी ब्रांच निकलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व, उसके द्वारा किसको सप्लाई होती है, आपके ब्रेस्ट को। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, पर थोड़ा ध्यान रखना, कई बार किस्मत खराब होती तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लियर है। इसके अलावा एक और जो T4 जो स्पाइनल नर्व है, T4 जो स्पाइनल नर्व है, उससे भी एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम भी क्या है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व।
इन दोनों के द्वारा किसका, फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकोस्टल नर्व और टी फोर स्पाइनल जो नर्व है, इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, अरे इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई जनरेट होती है और पेन के में सेंसेशन पड़े जाते हैं, क्लियर है। अभी इनके बारे में डिटेल में जानेंगे अपन। ये तो मैंने आपको डिस्कस किया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, पर ये थोड़ा ध्यान रखना लैक्टिफेरस डक्ट क्या होती है, लोबुल्स क्या होते हैं, लोब्स क्या होती है, एरियोलास क्या होते हैं, थोड़ा अपन इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब अपन यहाँ थोड़ा सा दो चार चीजें इधर उधर की और अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा क्या, ब्रेस्ट कैंसर। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिएगा बच्चों, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए उसके बाद सेकेंड नंबर पे अपन यहां बात करते हैं, अपनी हेडिंग चलेगी ब्रेस्ट कैंसर। थोड़ा एनाटॉमी के बारे में अपन डिस्कस किया, या ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी बोलते हैं, इनवेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, क्लियर है, आईबीसी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। यहां बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, देखिएगा कुछ अपन क्वेश्चन बना देते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं बताइए? वर्ल्ड कैंसर डे तो मनाते हैं अपन 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? हर साल 4 फरवरी को, क्लियर है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाते हैं? तो अपन 4 फरवरी को। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ाई क्योंकि इतनी आती नहीं है। अब आपके क्वेश्चनों की भरमा रहे यहां, और यहीं से आपके एक क्वेश्चन का निर्माण होगा जो फाइनली एम्स में आएगा 101%। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है, क्लियर है। 4 फरवरी को हर साल क्या बेटा आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और 2021 में जो थीम थी वर्ल्ड कैंसर की, आई एम एंड आई विल, हां मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं कैंसर के खिलाफ लड़ाई। आई एम एंड आई विल इज द थीम ऑफ 2021। ये डेफिनेटली ऐसे थीम के क्वेश्चन आएंगे, बगैर हम सर ने भी आपको पढ़ाए हैं। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका हर बार एम्स में, कहीं से भी पूछा जा सकता है। यू पूछे कि आपका जो फरवरी में आपका जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया 2021 में हाल ही में, उसमें थीम क्या रखेगी 2021 की, तो थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। इज इट क्लियर और नॉट? आरिवास में बेटा, क्लियर है बच्चों? इसके अलावा देखिएगा आरिवास में वर्ल्ड मेमोग्राफी डे, वर्ल्ड मेमोग्राफी डे। अब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए कौन सा वर्ल्ड मेमोग्राफी डे आपका क्या बेटा सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर बेटा? और ये कब सेलिब्रेट किया गया जाता है? 3rd Friday ऑफ अक्टूबर इन एवरी ईयर, हर साल अक्टूबर माह का 3rd Friday यानी शुक्रवार, अक्टूबर महीने का कौन सा 3rd शुक्रवार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसके नाम से जाना जाता है वर्ल्ड मेमोग्राफी डे पे, इस साल आने वाला 15 अक्टूबर 2021 को। और ये किसके लिए बेटा? बिकॉज मेमोग्राफी टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं। तो हर साल वर्ल्ड मेमोग्राफी डे कब मनाते हैं? 3rd Friday ऑफ अक्टूबर इन एवरी ईयर, 15 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा, 2000 मनाया जाएगा ये। और इसकी थीम क्या, पूरे ऑल ओवर कैंसर की सबसे बड़ी थीम क्या, आई एम एंड आई विल। अब मैं आपको क्लियर, आई एम एंड आई एम डू एंड आई विल, बिल्कुल आई डू एंड आई विल, बिल्कुल सही, आई एम या दोनों एक ही बात है बेटा, दो तरह से थीम लिखी गई है इसकी, आई डू एंड आई विल, बिल्कुल सही बेटा, यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद अजीब बच्चा, 15 अक्टूबर 2021 को आपका वर्ल्ड क्या मनाया जाता है, आपका कैंसर डे मना, सॉरी आपका 15 अक्टूबर 2021 को आपको क्या मनाया जाएगा, मेमोग्राफी डे मनाया जाएगा। हर साल कब मनाते हैं? तो हर साल फ्राइडे, 3rd Friday को मनाते हैं हर साल अक्टूबर में मेमोग्राफी डे, जबकि वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब मनाया जा रहा है आपका, अरे कहां मनाया जा रहा है बेटा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी को। अब देखिएगा, अब इससे लिंक क्यों है कि मोस्ट कॉमन, क्लियर, कैंसर इन फीमेल, सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है फीमेल में, तो बेटा आपको बताइए कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर। पहले था बेटा सर्वाइकल कैंसर, इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, माता पची नहीं करनी, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड का क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं फीमेल में कौन से होते हैं बेटा, ब्रेस्ट कैंसर। इज इट क्लियर और नॉट? फीमेल की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर, इज इट क्लियर और नॉट? फीमेल की बात करें, चाहे भारत हो चाहे दुनिया हो, सबसे ज्यादा कैंसर कौन से होते हैं बेटा, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। आरिवास में सबसे ज्यादा कैंसर कौन से होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? लगभग 15.4 पॉपुलेशन को आपका अफेक्ट कर रही है। सेकंड नंबर पे आता है फीमेल के अंदर बेटा लंग्स कैंसर, अब लग कैंसर ने ले लिया न जगह। तीसरे नंबर पे आता बेटा कौन सा आपका, सर्वाइकल कैंसर, गेटिंग माय पॉइंट, ये 13.4% है।
और ये 12.1% रह गया सर्वाइकल कैंसर में, काफी आपका क्या हुआ, इंप्रूव हुआ है। कटिंग माई पॉइंट, तो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता था, ब्रेस्ट कैंसर होता बेटा। कटिंग माई पॉइंट, और ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस का जो सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल, ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इंटरनेशनल जो सिंबल है बेटा वो होता है डियर आपका पिंक रिबन। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, पिंक रिबन। जैसे एचआईवी एड्स की अवेयरनेस का कौन सा होता है, रेड रिबन। अरे एचआईवी का कौन सा होता है, एचआईवी का कौन सा होता है, रेड, रेड रिबन। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस है उसके लिए कौन सा बेटा, पिंक रिबन सबसे ज्यादा कॉमन फिनोमिना है। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट। नहीं बेटा चीनू हो गया, अब चेंज हो गया बेटा चीजें, हर साल हर महीने आंकड़े बदलते हैं। फीमेल के अंदर सेकंड नंबर पे आ गया लंग कैंसर, और तीसरे नंबर पे आ गया आपका कौन सा, सर्वाइकल कैंसर। आप एसएनएम में पढ़ रहे हो अप टू डेट डाटा शिवराज सर से, हल्के में ले रहे हो क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में स्लाइड वाला थोड़ी हूँ कि कुछ भी आऊं आपको चढ़ा दूं, अच्छे अच्छे दोहे सुना दूं, दो चार कहानी सुना के तुम्हें गदगद कर दूं, ऐसे हाथों पे उठा लूं और एक घंटे में चार क्वेश्चन पढ़ा के दो इमेज दिखा कर भाग जाऊं। मैं ऐसा नहीं, स्लाइड वाला नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला आदमी हूं। डाटा रोज बदलते हैं, ऐसा नहीं कि पीआर यादव की या किसी कोचिंग की कॉपी करके पढ़ा दिया स्लाइड बना के, हम ऐसे लोग नहीं है। और ना मैं कोई ऐसा नॉन नर्सिंग का बंदा हूं जिसको पता ही नहीं नर्सिंग में क्या आना, और कुछ भी पढ़ा दिया हड़के में, बिल्कुल नहीं लेना। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों, डाटा एकदम एम्स को डायरेक्ट हिट करते हैं, कोई माइक का लाल या कोई माइक की लाली आपका सलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है, ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर वन पे आ गए, सेकंड नंबर पे लंग कैंसर, और तीसरे नंबर पे धकेल देगा कौन आपका 2021 में, सर्वाइकल कैंसर। ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है। एचआईवी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एचआईवी का रेड रिबन होता है। तो ये तो मैंने कुछ इधर उधर की तुम्हें बातें बताई, किसके बारे में आपका बेटा, अरे किसके बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका, क्लियर है, किसके बारे में आपका, क्लियर है। इसके अलावा बेटा यहां अगर बात करें अपन ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, क्लियर है, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है बेटा मोस्ट कॉमन कौन से ब्रेस्ट को अफेक्ट करता, तो राइट ब्रेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होता बेटा। अरे कौन से के अंदर, राइट ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है बेटा वो सबसे ज्यादा कहां होता है, राइट ब्रेस्ट में, क्लियर है। और आपका लो पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट में, इसे क्लियर और नॉट, क्लियर। सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि फीमेल में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कौन से कैंसर में होता है, तो राइट ब्रेस्ट में। ऐसे कोई कारण नहीं पर पार्ट अफेक्टेड होने के चांस ज्यादा था, आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये देखिएगा, ये जैसे ब्रेस्ट है, ये निपल हो गया आपका, ब्रेस्ट को अपन चार क्वाड्रेंट में अपन ने जो डिवाइड किया है, ये जो देखिएगा डिवाइड, ये आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट है, ये कैसा है, इनर एंड अपर क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, लोअर एंड आउटर क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा, इनर एंड सॉरी लोअर एंड, लोअर एंड आउटर क्वाड्रेंट, एंड दिस इज इनर एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट, टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं। गेट माय पॉइंट, आरिबास में तो टेल ऑफ स्पेंस भी बनती है, यहां पे इस तरह से टेल ऑफ स्पेंस का निर्माण होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का कलेक्शन होता है। तो ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा किसके चांस रहते हैं बेटा, आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो रिस्क रहती है वो रहती बेटा नॉन प्रेग्नेंट, क्लियर है, और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर से रोकना है तो सेक्सुअली क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। गेटिंग माय पॉइंट, न्यूली पेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन में सबसे ज्यादा होते हैं 20 से 30 साल में। ये फैक्चुअल डाटा है, ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको वन लाइन ईयर, तो डायरेक्ट टर्म्स में पूछे जाते हैं आपको एप्सन के रूप में, क्लियर है। आप आरिबास में कटिंग माय पॉइंट, और राइट ब्रेस्ट सबसे ज्यादा आपका अफेक्टेड होता है। इसका कोई डायरेक्ट रीजन तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके हॉस्पिटल के डाटा कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपका राइट ब्रेस्ट अफेक्ट होता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अब देखिएगा बेटा, मैं आपको एक बीच में एक थोड़ी बता रहा हूं, हार्मोनल रोल ऑन ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब समझना मेरी बात, मैं यहां पे हार्मोन बता रहा हूं क्योंकि तुमने कहा था कि अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो ब्रेस्ट कैंसर करवाता, तो आपने पढ़ा एस्ट्रोजन। अब क्यों करवाता है इसको समझना जरूरी है, इसीलिए अपन एंटी एस्ट्रोजन इसके ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देते हैं, टैमोक्सिफेन रेनोक्सिफेन देते हैं कि नहीं देते हैं, तो उसकी थ्योरी समझिएगा बेटा। क्लियर है, हार्मोनल रोल ऑन ब्रेस्ट कैंसर, सबसे पहले बात करता हूं मैं बेटा एस्ट्रोजन की। किसकी बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं एस्ट्रोजन की, कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ब्रेस्ट डेवलपमेंट में क्या योगदान है, अब समझना इसको बच्चों, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। देखिएगा हार्मोन की अगर बात करें बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्लियर है हरी बात में, एस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन ऑफ ब्रेस्ट, इज इट क्लियर और नॉट, ग्रोथ हार्मोन ऑफ ब्रेस्ट कौन है बेटा, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना पहला और आपका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है ना कई बार, ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज द मेन हार्मोन फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन, चार पांच ऑप्शन डाल देते हो और तुम प्रोजेस्टेरोन को भाग भाग के टिक करते हो, गलत आंसर है, राइट आंसर इज एस्ट्रोजन, अरे मेरी बात समझ रहे हैं, राइट आंसर क्या रहेगा, एस्ट्रोजन ही रहेगा, आरिबास में क्लियर है, आरिबास में, आरिबास में क्लियर बच्चों। अब एस्ट्रोजन जो होता है ना बेटा, अब मेरा थ्योरी समझना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एस्ट्रोजन को प्रायोरिटी क्यों देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि हार्मोन रोल ऑन ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्लियर, और कैंसर सबसे ज्यादा आपका ब्रेस्ट जो कैंसर करवाता है वो कौन सा हार्मोन की वजह से होती है, तो अपन पढ़ रहे हैं एस्ट्रोजन की वजह से, अब देखना तुम कैसे बेटा, एस्ट्रोजन जो कि आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, गेटिंग माय पॉइंट, एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन ऑफ द ब्रेस्ट भी बोलते हैं इसको, देखिएगा क्लियर है, इट ओनली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लैक्टिफेरस डक्ट एंड इट्स ब्रांचिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरी बात समझना बेटा, अपन ने क्या करा ब्रेस्ट का, ये जो आपका डेवलपमेंट में ये लोब्स होगी, लोबुल्स होगी, और ये क्या बनाई थी लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर आपका एरियोला बना था, इन लैक्टिफेरस डक्ट जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, अरे कौन सी बेटा एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, इन एपिथेलियल टिश्यू की ओवर ग्रोथ करा के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मेन योगदान ग्रोथ हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन, अरे कौन सा बेटा एस्ट्रोजन, अब बताओ वेरी इंपॉर्टेंट ये कौन सी डक्ट होगी, लैक्टिफेरस डक्ट, अब बताओ बताओ लैक्टिफेरस डक्ट, और बताओ अभी अपन ने क्या पढ़ा मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, मोस्ट कॉमन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर वो कौन से होता है, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, इंट्राडक्टल कार्सिनोमास, क्योंकि ये आपका कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू तो कार्सिनोमा कहलाएंगे, 100 में से अच्छी महिलाओं को 80% महिलाओं को कौन सा ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो इंट्राडक्टल यानी डक्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी, ये डक्ट के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू उनकी ग्रोथ होगी कैंसर बन जाएगा, तो बताओ सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन सा हो गया, कौन सा बेटा एस्ट्रोजन, अरे सीधी सी बात है कि एस्ट्रोजन लैक्टिफेरस डक्ट को बनाता है, अब लैक्टिफेरस ज्यादा डक्ट अगर बनेगी एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दो क्वेश्चन रेडी हो गए, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर किस में होता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट में, इन्हें क्या बोलते हैं इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, यानी डक्ट के बीच में, दो डक्टों के बीच में डक्ट में, क्लियर माय पॉइंट, और कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन यहां किस रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के थ्रू, अरे कौन से रिसेप्टर के थ्रू, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के थ्रू, तो अपन अब किसी पर्सन को एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ा हुआ है किसी भी कारण से बढ़ा हुआ आगे पढ़ेंगे विभिन्न कारणों में, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर होने का बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्ट ड्रग का अपन यूज करेंगे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग का, ताकि रिसेप्टर पे ये जुड़े नहीं सेल पे और ग्रोथ नहीं कराए, या इसे मैं कह सकता हूं एंटी एस्ट्रोजन ड्रग, क्लियर है, कौन सी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, टेमोक्सिफेन, याद आ रहा है टेमोक्सिफेन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है किसमें, अंदर ब्रेस्ट कैंसर में, कब, जब वो एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस्ड ट्यूमर हो, नॉर्मल के अंदर अलग अलग ड्रग यूज होगी, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया, तो सबसे बड़ा जो योगदान है आपकी डक्ट के डेवलपमेंट में और सबसे ज्यादा इंट्राडक्टल कार्सिनोमाइज होता है तो कौन सा हार्मोन होता है बेटा एस्ट्रोजन, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी के रूप में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं, एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर में, कौन सा बेटा आपका टेमोक्सिफेन, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अभी मैं केवल आपको डाटा बता रहा हूं, सिस्टमेटिक स्टडी अब चालू होगी, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्लियर है, मिराज वालों से दूर रहे, हाँ थैंक यू बेटा, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, अरे आगे बढ़े क्या भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दे, वरना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, आरिबास में बेटा क्लियर है, आरिबास में क्लियर है, आरिबास में, अब देखिएगा दूसरा हार्मोन आता आपका बेटा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हार्मोन देता है प्रोजेस्टेरोन, अब जो ये बकवास करते हैं ना कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में प्रोजेस्टेरोन का योगदान होता है, स्लाइडो वालों से और नॉन नर्सिंग वालों से पढ़ के आ जाते हैं, जो खुद नौकरी नहीं लगे और दूसरों को लगाने में लगे रहते हैं उनसे पढ़ के आ जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन का डायरेक्ट नो रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन ब्रेस्ट, क्लियर, और प्रोजेस्टेरोन कैसा बेटा हाइपर ट्रोफिक है, जबकि एस्ट्रोजन हाइपरप्लेसिक है, अब हाइपरप्लेसिया इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपिक है, ट्रोपिक का मतलब तो होता है साइज बनना, पर हाइपरप्लेसिया का मतलब नंबर बढ़ना, नंबर बढ़ेंगे तभी तो साइज बढ़ेगी,
करेक्ट माय पॉइंट। तो डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता बेटा किसका आपका प्रोजेस्टेरोन होगा, बट अलोंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है, हेल्प इन वेरी इंपॉर्टेंट लोब एंड लोबुलर डेवलपमेंट। ब्रिस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रिस्ट की लोब और आसपास की जो लोबुलर डेवलपमेंट है उसके अंदर किसका योगदान रहता है, प्रोजेस्टेरोन का, बट डायरेक्ट नहीं होता। इसमें भी किसका सहयोग चाहिए इसको, एस्ट्रोजन को, इसलिए कहता है कि एस्ट्रोजन इज द मेन ग्रोथ हार्मोन ऑफ द, एस्ट्रोजन के बिना प्रोजेस्टेरोन भी काम है नहीं करेगा। अरे यहां तक को डाउट है क्या बच्चों, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, अरे को डाउट है बेटा, हरी बात में। इसके अलावा अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को भी मेमोट्रोपिक बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, क्लियर है, आल्सो नो डायरेक्ट रोल बट अलोंग विद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलोंग विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हेल्प इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन हेल्प इन हाइपरप्लेशिया ऑफ, हाइपरप्लेशिया ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्वुलर एपिथेलियल सेल। हमारी बात में डायरेक्ट योगदान नहीं है, पर यह तो ब्रिज की साइज तो बढ़ा ही रहा है, इसलिए भी मेमोट्रोपिक बोलते हैं। पर मेन मेमोट्रोपिक हार्मोन कौन सा बेटा, ग्रोथ हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन। अब देखिएगा कैसे, देखना मेरी बात, समझना आप, ये अपन ने बात करी कि ये आपका ये हो गई आपका कौन सा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पेक्टोरिस मेजर मसल्स होगी, फेशिया वाला रीजन हो गया, ये सबक्यूटेनियस फेट हो गई, और ये क्या होगी बेटा आपकी लोब्स, अरे ये क्या होगी लोब्स, इन लोब्स का डेवलपमेंट कौन कराता, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ मिलके। इसके अलावा इन लोब्स के आसपास यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू उनको कौन डेवलप कराता, प्रोलैक्टिन, और मेन आपकी जो डक्ट है उनको डेवलप कौन कराता, आपका एस्ट्रोजन। पर इन सबको काम करने के लिए एस्ट्रोजन का क्या योगदान जरूरी है, इसलिए मेन ग्रोथ हार्मोन कौन सा, आपका एस्ट्रोजन। इसके अलावा फीमेल प्लेसेंटा की अगर बात करें, क्लियर बच्चों, अरे फीमेल प्लेसेंटा की अगर बात करें अपन, तीन चीजें अलग अलग बता रहा हूं, एक तो मैं बता रहा हूं डक्ट, एक बता रहा हूं डक्ट की एपिथेलियल टिश्यू, और एक मैं बता रहा हूं लोब्स, लोब्स को डेवलप करवाता है प्रोजेस्टेरोन, एपिथेलियल सेल जो होती है हाइपरप्लेशिया कराता है कौन, आपका कौन सा, आपका प्रोलैक्टिन, और होल ओवर ब्रेस्ट की ग्रोथ या आपकी जो डक्टल जो कार्सोमा डक्ट का जो निर्माण कराता है वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन। इसलिए एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ट्यूमर सबसे ज्यादा होते हैं, इज इट क्लियर ऑर नॉट, फीमेल के ब्रेस्ट में, कट माय पॉइंट, क्योंकि और सबसे ज्यादा इंट्राडक्टल होती है 80% वही होते हैं, तो ये आपका। इसके अलावा फीमेल की अगर मैं बात करूं, किसकी बेटा, फीमेल के आपकी किसकी बात करें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा का भी कहीं ना कहीं, प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, क्लियर बेटा, वो भी कहीं ना कहीं ये लैक्टोजन हार्मोन क्या कराता है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट कराते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और थायरॉइड हार्मोन, और कौन कौन से हार्मोन, प्रोलैक्टिन के अलावा कौन, ग्रोथ हार्मोन, आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है स्टेरॉइड बनने से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और कौन सा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका थायरोक्सिन, थायरॉइड हार्मोन, ये भी सेम किसकी तरह काम करते हैं बेटा, प्रोलैक्टिन की। इसलिए बेटा आपको पता होगा थायरोक्सिन हार्मोन के ऊपर नीचे होने से गायनेकोमेस्टिया होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के गड़बड़ होने से, ग्रोथ हार्मोन के बढ़ जाने से, कम हो जाने से, कहीं ना कहीं गायनेकोमेस्टिया होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी तरह काम करते हैं, प्रोलैक्टिन की तरह, और ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाते हैं, क्लियर। पर मेन हार्मोन कौन सा बेटा, आपका एस्ट्रोजन, इज इट क्लियर और नॉट, अरे कोई डाउट है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का डायरेक्ट रोल नहीं है बेटा, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन, अरे इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, अरे कोई डाउट है, ये तो बात होगी थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब देखिएगा बेटा अपन यहां से शुरुआत करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की इधर उधर की बातें पड़ी, क्लियर, मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर हो गया, आउटर अपर क्वाड्रेंट आपका राइट ब्रेस्ट का सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्लियर है, और फीमेल में मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है बेटा, क्लियर है, आरी बात में। अब बात करते हैं कैंसर विद इन अ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट आइदर इनवेजिव और नॉन इनवेजिव, इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर, क्या कहलाता बेटा, ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है, जरूरी नहीं कि वो इन्वेजिव हो, जरूरी हो कि इन्वेजिव हो, बट सबसे ज्यादा कैंसर यही कहलाता है बेटा। और यहां से बहुत क्वेश्चन आने वाले, मैं मोटे मोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको लिखते जाना, ये तो फालतू की बात है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा टाइप, टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वेरी 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 वेरी, और टाइप की अगर बात करें तो सबसे पहले होता बेटा इंट्राडक्टल कार्सिनोमा,
इंट्राडक्टरी कार्सिनोमा टोटल जितना ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका वेरी 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 ये 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है क्लियर है उसका 80% कौन सा होता है बेटा, क्लियर है, इन बिटवीन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट दुग्धवानिया लैक्टिफेरस डक्ट, कहां पे बेटा लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर 80% होता है। और अगर यू पूछे कि हार्मोन कौन सा जिम्मेदार रहता है तो सबसे ज्यादा हार्मोन जिम्मेदार रहता है एस्ट्रोजन। दो क्वेश्चन हो गए लैक्टिफेरस डक्ट में, इन्हें क्या बोलते हैं इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, क्लियर है आईडीसी इंट्राडक्टल कार्सिनोमा। अरे मेरी बात समझ रहे आप, क्लियर बेटा मोस्ट कॉमन यही होते हैं 80% इंट्राडक्टल कार्सिनोमा। और हार्मोन कौन सा जिम्मेदार है एस्ट्रोजन, कौन से ब्रिस्ट में तो सबसे ज्यादा राइट ब्रिस्ट को अफेक्ट करता है, और क्वाड्रेंट पूछा तो आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट, यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, अरे यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट, राइट ब्रेस्ट और लैक्टिफेरस डक्ट आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रदान में क्या होता है इंट्राडक्टल कार्सिनोमास होते हैं बेटा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें वरना आगे बढ़ते हैं। अरे बोलिए बच्चों, क्लियर बच्चों। दूसरा होता है इंट्रालोबुलर, अरे कौन सा होता है इंट्रालोबुलर, क्लियर है इंट्रालोबुलर नाम से पता है, क्लियर है इन लोब लोबुल्स ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के लोबुल्स में होते हैं और ये बहुत लेस कॉमन होते हैं। अरे कैसे होते हैं बेटा लेस कॉमन, ये थोड़े कम होते हैं, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं इंट्राडक्टल और सबसे कम कौन से होते हैं इंट्रालोबुलर। तो ये मैंने आपको दो तरह के आपका ब्रेस्ट कैंसर बताया बेटा, गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, इज इट क्लियर ऑर नॉट, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, यहां तक कोई डाउट है बच्चों, ये मोटा मोटा ध्यान रखना। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, फेसबुक वालों को समझ में आ रहा है बेटा, फेसबुक वालों को समझ में आ रहा है क्या, मैं भी देख लेता हूं फेसबुक वालों के क्या कमेंट है। अरे बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड मॉर्निंग सभी को, समझ में आ रहा है फेसबुक वालों को भी। देखिएगा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, देखिएगा गेट माय पॉइंट, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज तुम्हें पता होता तो तुम इलाज नहीं कर देते क्या, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, इस बात को ध्यान रखना बेटा, एग्जैक्ट कॉज क्या है आपका अननोन है। अब आ जाइए, अब जब एग्जैक्ट कॉज अननोन है तो आप कहोगे कि क्या है रिस्क फैक्टर में, देखिएगा बेटा रिस्क फैक्टर के अंदर देखते जाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूली पेरस एंड सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन को ज्यादा चांस रहता है, बेटा ध्यान रखना, क्लियर है, बिकॉज सेक्सुअली या न्यूली पेरस वुमन होगी सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं होती है, एक्चुअली क्या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान प्लेजर फील होता है, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, कुछ हार्मोन के सीक्रेशन होंगे और हार्मोन अगर बैलेंस में रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट, तो उसकी वजह से कैंसर्स नहीं होंगे। तो यहां पे क्या होगा, हार्मोन इंबैलेंस होगा न्यूली पेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन होने की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा आरिवास में, गेटिंग माय पॉइंट, इसकी वजह से कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, कौन सा, न्यूली पेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, कारण अननोन है, रिस्क फैक्टर बता रहा हूं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अरे क्या बच्चों फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का मतलब जो कोई फीमेल की बात करें, अपन ब्रेस्ट कैंसर फीमेल की पढ़ रहे हैं, फीमेल की जो फीमेल है उसकी सिस्टर, उसकी मदर, क्लियर है आरिवास में, उसकी डॉटर, मेरी बात समझ रहे, क्लियर है, इनमें से किसी को भी उसके भाई या पिता से में कैंसर हो उसे लेना देना नहीं, किसमें, उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी पुत्री में से किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसको आपका बेटा 2 गुना चांस बढ़ जाते हैं किसके, किसके ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो फैमिली हिस्ट्री भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा न्यूली पेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन आपका यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा अगर आपको एज पूछ ले बच्चों तो बिल्कुल ये अर्ली एज में होता है, यंग एज में 20 से 30 साल मोस्ट कॉमन अफेक्टेड, 57% से ज्यादा पॉपुलेशन 20 से 30 साल की होती है। इसके अलावा बेटा एडवांस एज भी आपका जिम्मेदार है, और एडवांस एज कितने ज्यादा बेटा, 55% ज्यादा, ये भी आपका एक रिस्क फैक्टर है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका पर मोस्ट कॉमनली कौन सी एज को अफेक्ट करती है, मोस्ट कॉमनली तो अर्ली एज में अफेक्ट होती है 20 से 30 साल पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एम्स में, एम्स एक लेवल रखता है, वो आपको फैक्ट पूछता है ना कि आपका ज्ञान, हमें पता है कि ज्ञान तो आप लखन तो ला सकते हो कहीं से रट के, लेकिन वो फैक्ट पूछ सकता है आरिवास में। स्लाइड और चलानों से आपको क्या लिखा हो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन होता क्या वो नहीं सिखाया जा सकता, और ऐसे नहीं पढ़ाती नहीं है सिखाती है, इज इट क्लियर और नॉट, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। कुलदीप क्लासे बेटा सेव रहेगी, वापस देख के लिख लेना बेटा, क्लियर बेटो।
हरा को डाउट है। नेक्स्ट कुलदीप अपनी स्पीड बटा बेटा एम्स की तैयारी कर रहा है कि सीएचओ की तैयारी कर रहा है, है? कोई बात नहीं बेटा, कंपीट नहीं कर पाएगा स्पीड के साथ, स्पीड मेंटेन नहीं होगी तो एम्स कैसे मिलेगा। तो 20 से 30 साल के लोगों को और इसकी जो एज होती है वो एडवांस एज, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे ज्यादा किस एज के लोगों को, तो 20 से 30 साल की में, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके अलावा मेन रिस्क फैक्टर पूछे तो न्यूलिपेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन में ज्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री कारण बन सकती है बेटा, क्लियर है, स्मोकिंग वुमन में रिस्क बढ़ जाती है, एल्कोहलिक वुमन के अंदर रिस्क बढ़ जाती है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर, पुअर हाइजीन वाली वुमन में रिस्क बढ़ जाती है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अर्ली मेनार्की, क्लियर, लेस देन 10 ईयर, 10 साल से पहले एमसी आने लग जाए, या लेट मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज का मतलब ग्रेटर देन 55 ईयर के बाद मेनोपॉज हो, तो ऐसे क्षेत्र में भी किसकी रिस्क रहती है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस रहते हैं फीमेल को। तो अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, पोअर हाइजीन, एल्कोहल, स्मोकिंग, एडवांस एज ऑफ मदर, बट मेन एज ग्रुप इज 20 to 30 ईयर, यानी यंगर की प्रॉब्लम है ये, आरिवास में सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन की, गेटिंग माय पॉइंट, आरिवास में। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत सारे फैक्टर आपके यहाँ क्या रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, क्लियर बच्चों, को डाउट है बेटा, को डाउट है बच्चों, क्लियर बच्चों, कोई बात नहीं बेटा। ये क्या होते हैं, भटके रही होते हैं, आज 4 दिन यहाँ देख लिया, इनको क्या पसंद है एक्चुअली। मैंने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी है नर्सिंग वाले बच्चों के साथ, किसी को कोई लेना देना नौकरी नहीं लगना, नहीं लगना, केवल 100 में से एक या दो बच्चे होते हैं, यानी 1 से 2% पॉपुलेशन जिनको नौकरी लगना होता है, वो ही कमबख्त नौकरी लग रहे हैं, बाकी तो ये क्या होते हैं, झूले लाल होते हैं। आज तेरे यूट्यूब चैनल पे गए, आज मेरे पे गए, आज यहाँ पढ़ा, इनको चाहिए अपना कम्फर्ट जोन, यानी इनको आता उतना ही पढ़ाओ, अगर इनको आता नहीं है या इनकी जितनी स्पीड है उससे ज्यादा पढ़ाओगे तो इनके प्रकच्चे उड़ जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कमबख्त, तो एम्स की तैयारी कर रहा हूँ, एम्स तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलना, तुम्हें एम्स के अकॉर्डिंग चलना है, और एम्स में अगर लगना तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि 3-3.5 महीने में लगे, और तुम्हारे जैसे लाखों लोग एग्जाम देते हैं आरिवास में, उधर आपको अगर कम्पीट करना तो अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, टारगेट के अकॉर्डिंग चलिएगा, ना कि टारगेट को अपने अकॉर्डिंग चलवाइएगा, और जिंदगी में जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और मिराज करने वालों से तो दूर रहिएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो लेट मेनोपॉज कारण बनेगा, अर्ली मेनार्की कारण बनेगी, पुअर हाइजीन आपका क्या बन सकता बेटा, कारण बन सकता है, गेटिंग माय पॉइंट, आरिवास में। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा किसी को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे किसी फीमेल को मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज का मेन कारण क्या रहता है, अरे किसी फीमेल को क्या, फॉर एग्जांपल मेनोपॉज हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मेनोपॉज का मेन कारण क्या रहता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, मेनोपॉज का मेन कारण कौन सा हार्मोन जिम्मेदार रहता है, तो एस्ट्रोजन की कमी, आरिवास में, जबकि ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन बढ़ता है, इज इट क्लियर और नॉट, आरिवास में, कोई डाउट है बच्चों। तो यहां पे बेटा मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मेनोपॉज अगर किसी को हो गया तो हॉट फ्लशेस वगैरह आएंगे, फीवर आने लग जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो उसके मैनेजमेंट में क्या देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लाइक कौन सा हार्मोन देते हैं, एस्ट्रोजन। अब ऐसे लोगों को लंबे समय तक अपन एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे, सोचना, ऐसे लोगों को एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे तो बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आगे जाकर ब्रेस्ट कैंसर होगा कि नहीं होगा, तो एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपका कारण बन सकती है, क्लियर है। इसके अलावा बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओसीपी, ओसीपी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आते कि नहीं आते, अगर ये ज्यादा हो गए बॉडी में तो एस्ट्रोजन बढ़ने से आपका कैंसर होंगे कि नहीं होंगे, अरे मेरी बात समझ रहे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गई आपकी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी, स्पेशली एस्ट्रोजन थेरेपी, क्लियर है आरिवास में, अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, या किसी को एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर हो, इस तरह के कैंसर हो जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए, तो वो भी क्या कर सकता बेटा आपका, कर सकता है आपका कैंसर। इसके अलावा ओबिसिटी, हाई फैटी डाइट, ये सब कहीं ना कहीं किसके लिए जिम्मेदार है बेटा आपका, किसके लिए बेटा, ओबिसिटी और हाई फैटी डाइट। ओबिसिटी के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा बेटा, आपका कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, हाई फैटी डाइट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, किसके लिए, ज्यादा फैट का यूज करना, यानी फैटी यार ओबेस जो वुमन होती है उनमें खतरा बढ़ जाता है आपका, किसका, ब्रेस्ट कैंसर। अरे इज इट क्लियर और नॉट। तो जो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें अपन, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बेटा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होते हैं, ओबिसिटी, हाई फैटी डाइट इनकी वजह से हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट कॉज क्या है अननोन है। मेन रिस्क फैक्टर पूछे तो न्यूलिपेरस और सेक्सुअली इनएक्टिव वुमन होता है, एज ग्रुप पूछे तो 20 से 30 साल बेटा। लव यू बेटा, क्लियर राठौड़ सुनील, लव यू बेटा सभी को, यहां तक कोई डाउट है, अरे बोलो भाई, अरे कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरे कोई डाउट है,
क्लियर बच्चों, क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे कारण है बेटा, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है आपका कारण बार बार, जैसे कोई फीमेल है, फीमेल लेडी है और वो कोई रेडियोग्राफी रूम में काम करती है, बार बार उसके एक्सरे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से चांस हो सकते हैं बेटा। क्लियर है बेटा। एक आपका जिम्मेदार है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम 47 XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा। क्लियर, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, गेट माय पॉइंट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और यहां पे अगर बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, अरे यहां पे क्या बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, 47XXY, अरे कौन सा 47XXY, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा XXY जो सिंड्रोम है आपका, क्लियर है, ये दिस इज द ट्राइसोमी एलोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, इन लोगों के अंदर भी क्या होता है बेटा, इनफर्टिलिटी और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस रहता है, रिस्क रहती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आपका किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, अरे किसके लिए बच्चों, आरिबास में। क्लियर बच्चों। इसके अलावा ब्रेस्ट डिक्रीज, ब्रेस्ट फीडिंग, अरे मेरी बात समझ रहे, माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है ना, तो भी किसका खतरा बढ़ जाता है बेटा, ब्रेस्ट कैंसर का। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग से सबसे अच्छा बचाव होता है एंडोमेट्रिक कैंसर से, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से भी क्या करता है, बचाव करता है। इज इट क्लियर ऑन नोट, यहां तक कोई डाउट है? यस बेटा, रेडिएशन वालों के लिए लेट कवर, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? चले आगे बच्चों। तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया आपका, रेडिएशन एक्सपोजर, ओबेसिटी, हाई फैटी डाइट, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, ओसीपी का यूज, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्की, पुअर हाइजीन, एल्कोहल, स्मोकिंग, एडवांस एज, या आपका 20 से 30 साल की उम्र में ज्यादा होते हैं लेकिन 55 के बाद में भी वजन लग जाता है। क्लियर है, फैमिली हिस्ट्री और न्यूल पेरेंट्स विगन, बट एग्जैक्ट कोज क्या है आपका, अननोन है बेटा। क्लियर बच्चों। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स भी कारण होता है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब जेनेटिक। अब देखिएगा जेनेटिक में कौन जिम्मेदार है, जेनेटिक फैक्टर, देखिएगा यहां पे आपका बेटा दो जीन जिम्मेदार रहते हैं, एक कौन सा, BRCA फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BRCA सेकेंड, ये दोनों के दोनों, और किसके लिए जिम्मेदार है बेटा आपका, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार है, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है क्या बच्चों, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड ये भी किसके लिए जिम्मेदार है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे किसके लिए जिम्मेदार है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अब समझ लीजिएगा ये क्या है BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, या मुझे आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर। BRCA फर्स्ट का देखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर टाइप फर्स्ट ससेप्टिबल प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, अरे ये क्या करते हैं, ये दोनों जीन, ये जीन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर टाइप फर्स्ट ससेप्टिबल प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, और ये किसमें, डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। अब बताइए, क्लियर है, यानी प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, अरे किसको रोकता है ये, BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड जीन क्या करते हैं, ये आपके क्रोमसोम पे लगे हुए जीन होते हैं, ये जीन क्या करते हैं बेटा, ब्रेस्ट कैंसर टाइप फर्स्ट ससेप्टिबल प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, इससे डीएनए रिपेयर अच्छा होता है, डीएनए रिपेयर अच्छा होगा तो सेल आपकी एबनॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं होगी और कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर को रोकेंगे। अगर इन जीनों में उलट फेर हो जाए BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड में, तो डीएनए रिपेयर सिस्टम डैमेज होगा, सेल एबनॉर्मली प्रोलिफरेट होगी और ब्रेस्ट क्या हो सकता है, कैंसर। तो ये BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड, ये जीन भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा। क्लियर बच्चों, कट माय पॉइंट, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो BRCA फर्स्ट और BRCA सेकंड जीन भी आपके क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, किसके लिए बेटा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट आपकी देखिएगा स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बता देना, मैं डिटेल में सब पढ़ा दूंगा, याद नहीं आ रहा है लेकिन तुम मुझे हिंट दे दो, मैं सब पढ़ा दूंगा, उसको खोल के रख देंगे टॉपिक को, पढ़ेंगे नहीं सीख जाएंगे। तो आपके टोटल चार स्टेज होती है बेटा, सबसे पहले स्टेज जीरो, क्लियर है, अरे इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, स्टेज जीरो, आरिबास में, आरिबास में। क्लियर बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू, स्टेज जीरो,
CIS कार्सिनोमा इन सीटू क्या होते हैं? लोकलाइज्ड बिस्ट ट्यूमर होते हैं, इन्वेड्स नहीं करते, क्लियर है? लोकलाइज्ड ट्यूमर, क्लियर है? इजीली ट्रीटेबल, क्लियर है? एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है? नॉर्मल, देखिएगा कैसे, समझना मेरी बात। जैसे ये ब्रिस्ट है, ये आपका निपल है, एरियोला वाला रीजन हो गया, यहां पे देखिएगा ये सेल है आपकी लोबूल से मान लीजिएगा, या डक्ट के अंदर जो सेल है, क्लियर? ये डक्ट की सेल किसी मेम्ब्रेन में बाउंड होगी, अच्छे से अलाइंड होगी हो, और इजीली क्या होती है? ट्रीटेबल होती है, एक्सरसाइज करके निकाल सकते हो। लोकलाइज ट्यूमर तो होंगे, गांठ तो बनेगी, आपका ट्यूमर यानी गांठ तो बनेगी, लेकिन वो मैलिग्नेंट नहीं होगी। कैसी होगी? बिनाइन। कार्सिनोमा इन सीटू लोकल रहेगी, और यहां पे कैंसर है तो वो यही रहेगा, आसपास के टिश्यू को या किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये स्टेज क्या कहलाती? कार्सिनोमा इन सीटू। और ये इजीली क्या होता बेटा? आपका ट्रीटेबल होता। फिर आती है स्टेज फर्स्ट, इसके अंदर क्या होगा बेटा? क्लियर? लेस देन 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर होंगे, गांठ बढ़ेगी, और ये ट्यूमर कितने से? 2 सेंटीमीटर से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। 2 सेंटीमीटर का मतलब इतनी सी, इतने से छोटी रहेगी, क्लियर है? और सबसे ज्यादा राइट और अपर क्वाड्रेंट में होती है। बच्चों नहीं बेटा, यस बेटा, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, स्टेज थर्ड की अगर बात करें अपन, स्टेज थर्ड में ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर आपका, 5 सेंटीमीटर से क्या होगा? ट्यूमर बेटा ज्यादा बड़ा मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? आरिबास में क्लियर है? आरिबास में। इसके अलावा प्लस 2 to 3 लिम्फ नोड का अवेलेबमेंट होगा, कितनी लगभग? स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा? ट्यूमर जो होगा बेटा स्टेज सेकंड के अंदर, फर्स्ट के अंदर 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर होंगे, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, कोई लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन स्टेज सेकंड में क्या होगा? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े ट्यूमर होंगे, और इनके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा लिम्फ नोड का वो कितने का? 2 से 3 लिम्फ नोड आपके नॉल होंगे। स्टेज आपका बेटा थर्ड है। अरे कौन सी बेटा? थर्ड स्टेज। इज इट क्लियर और नॉट? और थर्ड स्टेज के अंदर, क्लियर बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 10 लिम्फ नोड सेम सिम्टम रहेंगे, प्लस 8 से 10 लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व, क्लियर है? यानी ट्यूमर आपका 5 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा, लेकिन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और होती है एक नेक्स्ट बेटा स्टेज फोर्थ, आरिवास में, क्लियर है? अ कंप्लीट मेटास्टेसिस इन बॉडी, कंप्लीट मेटास्टेसिस ट्यूमर इन बॉडी। मेटास्टेसिस का मतलब माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम इट्स ओरिजिन प्लेस टू अनदर स्पेस, क्लियर? तो कंप्लीट मेटास्टेसिस ट्यूमर ऑफ बॉडी, बॉडी का कंप्लीटली मेटास्टेसिस क्या होंगे बेटा? ट्यूमर होंगे, क्लियर बेटा? बच्चों बेटा आपके रेगुलर बैच की फीस 7,999, उसमें क्रैश कोर्स फ्री है। अगर आपको क्रैश कोर्स करना है तो 10 तारीख के आसपास शुरू होगा, जिसकी फीस जो रहेगी वो 3,999 रहेगी बेटा। पर मेरा ये मानना, जब तक आप मुझसे थ्योरी नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूं आपको, सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, इस बात को ध्यान रखना। और एम्स का ही टॉपिक पढ़ाता हूं, सीएचओ की तैयारी नहीं कराता हूं मैं, सीएचओ का अलग से बैच चलता है, उसमें बहुत इजी पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें आता ही कुछ नहीं है, करेक्ट माय पॉइंट? और मैं एम्स का टीचर हूं, तो समझ लीजिएगा उस लेवल का ही पढ़ाऊंगा। मेरा ये मानना है कि थ्योरी का बेस लो, आपको क्रैश कोर्स क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अभी भी खूब टाइम है, 3-3.5 महीने छोरों, मैंने तुम्हें 1000 बात कहना है, भागो मत, सबर रखो, सिर्फ मेहनत करते रहो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, और अपने आप पे यकीन करो, रोज 8-10 घंटे निकालो पढ़ाई के लिए, डेफिनेटली आपके और आपके पेरेंट्स के सपने सच होंगे, और आप तो बिल्कुल गोल्डन बॉयज हो यार, पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, डोंट वरी इसके बारे में, करेक्ट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिएगा, तो 8 से 10 लिम्फ नोड यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। स्टेज फर्स्ट में 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर होगा, नो लिम्फ नोड, क्लियर? 0 के अंदर लोकलाइज ट्यूमर होगा, बहुत छोटा सा, और कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, कार्सिनोमा इन सीटू कहलाता है। सेकंड में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, लेकिन 2 से 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे आपका। थर्ड के अंदर 8 से 10 लिम्फ नोड के अंदर भी ट्यूमर फैल जाएगा, और स्टेज फोर्थ के अंदर कंप्लीट मेटास्टेसिस ट्यूमर ऑफ द बॉडी। और यहां अगर बात करें, क्लियर, अब मेटास्टेसिस की बात करें, क्लियर, मेटास्टेसिस जो मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस रूट जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर, तो वो कौन सा होता बेटा? लिम्फ, लिम्फ से फैलता है, लिम्फेटिक सिस्टम से, मोस्ट कॉमन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस होते हैं वो लिम्फ से होते हैं बेटा। और ये पूछा सेकंड मोस्ट किससे होते हैं, तो ब्लड से। अरे सेकंड मोस्ट किससे होते हैं? ब्लड से। एक दो क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस रूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी इज लिम्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रायोरिटी इज ब्लड, क्लियर है? मोस्ट कॉमन
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन रूट तो लिम्फेटिक है और मोस्ट कॉमन जो साइट है वो होती है बोन बेटा, और ज्यादातर कौन सी बेटा, रिब्स वगैरह में, रिब्स वगैरह में बेटा, क्योंकि ब्रिस्ट यही है और यही से कैंसरियस सेल निकल के आसपास की हड्डियों में धंस जाएगी। क्लियर बच्चों, आसपास की किसमें? थैंक यू बेटा सोएब रजा असराफी, बीएचयू से देख रहे हैं, यूपी से, थैंक यू बेटा, ऑल इंडिया देखता है, ऐसा नहीं को पूरा वर्ल्ड देखने लग गया आजकल, तो फॉरेन के क्लाइंट भी हमारे पास। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? बिल्कुल, इतना नॉलेज देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, धुआं निकाल देंगे मार्केट का। बिल्कुल, जो बोन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो बोन है बोन में मेटास्टेसिस होता है, और कौन सी बोन के अंदर? रिप्स वाली बोन में। क्लियर बच्चों? हड्डियों में आपके थोरेसिस केज में मेटास्टेसिस के चांस बढ़ जाते हैं, सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस यही होता बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे आगे बढ़ू, और सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस किसके द्वारा होता बेटा? ब्रिस्ट के द्वारा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, चले आगे। इसके अलावा ये मेटास्टेसिस हो सकता है ब्रेन में, लंग्स में। क्लियर बच्चों? कई बार लीवर की तरफ भी मेटास्टेसिस हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता बेटा? बोन के अंदर। और बोन कौन सी? आपकी थोरेसिस केज की, जो रिब्स वगैरह उनमें मेटास्टेसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा मेटास्टेटिक जो होगा आरिबास में, वो मेटास्टेसिस जो होगा बेटा वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम से होगा। और सबसे ज्यादा अफेक्ट किस में होगा, यानी ये किसको प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा बोन में, आसपास के हड्डियों के अंदर कैंसर फंस जाता है और वहां पे भी कैंसर शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द होल अबाउट मोस्ट कॉमन साइट एंड मोस्ट कॉमन रूट। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं बेटा साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत इजी वे में आपको मेन मेन क्वेश्चन पढ़ा दूं, जहां तक क्वेश्चन आते हैं। करूंगा पॉइंट आरिबास में चुप। देखिएगा नेक्स्ट, आपका कमेंट कीजिएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम की अगर बात कर ले अपन, किसकी बात करें? साइन एंड सिम्टम की बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्ली सिम्टम क्या, बताइए जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, पुट इट फास्ट डियर, पुट इट फास्ट। अरे बच्चों बोलिएगा, बोल दो भाई सबसे ज्यादा। देखिएगा, देखिएगा बेटा, अर्ली सिम्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। देखिएगा बेटा, तो आपको देखने को मिलेगा पेनलेस और लंप फील। पेनलेस लंप, लंप का मतलब होता है क्या बेटा? आपका गांठ जैसा फील होगा। देखिएगा, देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेनलेस लंप फील इन आउटर अपर क्वाड्रेंट। क्लियर है? बिलो एरियोला एंड निपल बाय फीमेल, बाय फीमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल जब अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी या ब्रिस्ट पे सेल्फ एग्जामिनेशन होंगे, बीएससी वगैरह करेगी, तो उस समय फीमेल को क्या होगा? गांठ सी महसूस होगी, मोस्ट कॉमनली कौन से? राइट और अपर क्वाड्रेंट में, यहां वाले रीजन में। और ये कैसा होगा? लंप फील होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेनलेस होता है। अरे कैसा होता है कमबख्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जो पेनलेस होता है कौन? लंप आपका। तो दिस इज द अर्ली साइन सिम्टम, अर्ली साइन सिम्टम, चाहे आप पेशेंट का फील करो या तो ये लंप फील होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो लंप होगा बेटा वो कैसा होगा? इरेगुलर, इरेगुलर अनकैप्सुलेटेड, यानी इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी बेटा? इरेगुलर होगा, अनकैप्सुलेटेड होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिक्स्ड होगा, ज्यादा मूवेबल नहीं होगा। इरेगुलर अनकैप्सुलेटेड फिक्स्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लंप विच यूजुअली, विच यूजुअली, जो सामान्यतः क्या होता है? यूजुअली पेनलेस बट पेनफुल इन लेटर स्टेज, इन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में कैसा होगा बेटा? पेनफुल होगा, लेकिन अर्ली स्टेज में ये कैसा होगा? इरेगुलर अनकैप्सुलेटेड होगा, फिक्स्ड होगा लंप, विच इज यूजुअली पेनलेस बट पेनफुल इन लेटर स्टेज। तो नॉर्मली पेनलेस होगा, मोस्ट कॉमनली इरेगुलर होगा, यानी ऐसे इस तरह से उसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं होगा, और फिक्स होगा यानी आप उसको मूव करोगे तो ये मूव नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, इरेगुलर होगा, अनकैप्सुलेटेड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? और कहां फील होता? आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट में। किसको? जब फीमेल आपका क्या करेगी, आपका फील करेगी उसको बिलो द एरिया ऑफ निपल। और ये मोस्ट कॉमनली कब आपका ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं उस समय पकड़े जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
रेगुलर अनकैप्सुलेटेड और फिक्स लंप फील होगा विच इज अनकैप्सुलेटेड पेनलेस बट पेनफुल इन लेटर स्टेज. दिस इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें. ओम प्रकाश, प्रकाश कुमार फेसबुक से, किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर बेटा. नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर आरिबास में. और बताइए बच्चों, और बताइए. नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बच्चों. नेक्स्ट देखिएगा, जहां पे ट्यूमर होगा बेटा वहां पे क्या होगा, पील ऑरेंज स्किन अबाउट ट्यूमर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जैसे ये ब्रिस्ट है, यहां ट्यूमर हुआ राइट हैंड पकड़, तो यहां पे पीलिंग्स ऑरेंज कलर की, यानी ऑरेंज को छिलते हैं ना, छिलने के बाद जो ऑरेंज के अंदर की जैसे दिखती है ना हल्का ऑरेंज ऑरेंज कलर सा, वो पील ऑरेंज कलर का आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका क्लियर अबाउट ट्यूमर स्किन देखने को मिलेगी. किसके ऊपर आपका बेटा, किसके ऊपर, ट्यूमर के ऊपर. गेटिंग माई पॉइंट, अरे मेरी बात समझे. इसके अलावा अफेक्टेड हैंड के अंदर क्या होगा, लिम्फेनो एडिनोपैथी, लिम्फेनो एडिनोपैथी इन एक्सिलरी रीजन. क्यों, क्योंकि लिम्फ नोड क्या होंगे बेटा, क्लियर बेटा, लिम्फ नोड स्वेल होंगे किसके अंदर, एक्सिलरी रीजन में, तो वहां पे गांठ सी बन जाएगी जिसको अपन गोल वगैरह बोलते हैं ना, वो तो लिम्फ नोड एडिनोपैथी देखने को मिलेगी बेटा. क्लियर बच्चों, अरे बस में क्लियर है. एनलार्ज और पेनफुल क्या होगा, लंप होगा बेटा. धीरे धीरे फीमेल का क्या होगा, वेट लॉस होगा इस बीमारी में. ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा, वेट क्या होगा बेटा, लॉस देखने को मिलेगा. क्लियर है, लिम्फ नोड एडिनोपैथी होगी आपका अफेक्टेड हैंड में अंदर बेटा. क्लियर है, अरे बस में. क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे बेटा, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे. और यहां पे जो एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज होंगे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल जो ब्रेस्ट डिस्चार्ज होंगे वो कैसे होंगे बेटा, क्लियर और ब्लडी, इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे धीरे धीरे. गेटिंग माय पॉइंट, आरी बस में. नेक्स्ट देखिएगा, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज आपको यहां पे क्या करेंगे बेटा, देखने को मिलेंगे बेटा. गेटिंग माय पॉइंट, आरी बस में. कई केसेस में रिट्रैक्शन ऑफ निपल भी देखने को मिल सकता है आपको, रिट्रैक्शन ऑफ निपल, ये अदर सिम्टम है. रिट्रैक्शन का मतलब निपल जो है वो अंदर की तरफ धस जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, बिल्कुल. पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस भी बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही है. पील ऑरेंज स्किन बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं पाउडी ऑरेंज स्किन. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं बेटा, पर मैं आपको, मैं सोच रहा था कि क्या याद रहेगा नहीं रहेगा इसलिए नहीं लिखा. पाउडी ऑरेंज स्किन भी आपको देखने को मिलेगी, इसी को बोलते हैं पील ऑरेंज स्किन. ये पील भी वर्ड सही है और पाउडी, इस तरह से पाउडी ऑरेंज स्किन ये भी लिखा हुआ, ये भी सही है बेटा. करेक्ट माय पॉइंट, मेरी बात समझ रहे. वेट लॉस होगा, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज होंगे, रिट्रैक्शन ऑफ निपल आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, देखने को मिलेगा. इज इट क्लियर और नॉट, आ रही बात में. अरे कोई डाउट है बच्चों, अरे कोई डाउट है, आ रही बात में. क्लियर है, और जैसे जैसे लेटर स्टेज हो जाएगी, लेटर स्टेज में ये कैसा हो जाएगा बेटा, पेन होगा और ओपन हो जाता है कई बार आपका यहाँ पे पस वगैरह का डिस्चार्ज होने लग जाता है जब फोर्थ स्टेज हो जाती है, एडवांस स्टेज. क्लियर बच्चों, अरे कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है बच्चों, तो थैंक यू सो मच. यहां तक किसी को डाउट है, अब थोड़ा और आगे बढ़िएगा. तो अर्ली सिम्टम पूछे आपको तो लंप पेल फील होगा बेटा, आरी बात में. करी माय पॉइंट, इरेगुलर अनकैप्सुलेटेड फिक्स लंप देखो मिलेगा. ये क्वेश्चन आ चुका है, ये फिक्स्ड होता है, इरेगुलर होता है, अनकैप्सुलेटेड होता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कैरेक्टर. दिस इज द अर्ली साइन सिम्टम, आरी बात में. इसके अलावा पाउडी ऑरेंज स्किन या पील ऑरेंज स्किन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां से अब साइन सिम्टम ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, डायग्नोस्टिक एवलुएशन. डायग्नोस्टिक एवलुएशन में क्या करें, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन. हिस्ट्री के अंदर क्या देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखें, एस्ट्रोजन ओसीपी का यूज वगैरह, कोई ट्यूमर वगैरह की हिस्ट्री देखें आप. फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे बेटा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन का सबसे बड़े तरीका क्या है, बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. अब देखिएगा बेटा, बीएसई पहला और आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर इज डिटेक्ट बाय. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन सा, बीएसई. सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर किस एग्जामिनेशन से पकड़े जाते हैं, तो बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से. कैसे, आरी बात में. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है जो फीमेल खुद सेल्फ करेगी, कोई खर्चा नहीं, हर महीने कर सकती. इज इट क्लियर और नॉट, बीएसई, आरी बात में. गेटिंग माय पॉइंट, ब्रेस्ट सेल्फ मोस्ट कॉमन कैंसर इससे पकड़े जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट, आरी बात में, सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड है ये,
सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड है, कटिंग माय पॉइंट आरी बास में सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड है, और अपन क्या करते हैं एवरी मंथ करते हैं बेटा। अरे कैसे करते हैं एवरी मंथ, अरे कैसे करते हैं कम वक्त तो एवरी मंथ, इज इट क्लियर और नॉट? आरी बास में एवरी मंथ करते हैं, और एवरी मंथ कब? आफ्टर 18 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 साल के बाद बीएससी करना शुरू कर दे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 18 साल के बाद आप बीएससी करना क्या करें शुरू करें बेटा, 18 साल की उम्र पे एवरी मंथ करना है, और एवरी मंथ कब करना? 7 to, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 7 to 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एमसीके कौन से दिन? 7वें से 10वें दिन। जैसे 1 तारीख को ब्लीडिंग, जैसे आज ब्लीडिंग हुई, तो कब? 7 से लेकर 10वें तारीख के बीच में, यानी ब्लीडिंग होने के 7 से 10वें दिन आपको क्या करना है? बीएससी करना बेटा। क्लियर बेटा? अब बताओ बीएससी जो करते हैं ये बिफोर सोवरिंग या आफ्टर सोवरिंग, बताइए बिफोर सोवरिंग या आफ्टर सोवरिंग, कोई डाउट है बच्चों? थैंक यू सुरेश, अजय सामरिया बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, 8368066 पे कॉन्टेक्ट करें। 7 से 10 डे ऑफ एमसी, एमसी के कौन से 7वें 10वें दिन पे आपको क्या करना बेटा, इसको डिटेक्ट करना, जल्दी कमेंट कीजिएगा। अरे एसएनए में बेटा ऐसा नहीं कि एमएसएनए अच्छी पढ़ाते हैं, एक से बढ़ के एक पढ़ाते हैं, पूरी टीम मिलकर काम करती तब इतने हजारों सिलेक्शन निकलते हैं। शाबाश, आफ्टर सोवरिंग यानी नहाने के बाद, यानी आफ्टर बाथिंग आपको क्या करना है? करना क्या करना बेटा? बीएससी करना है, 18 साल से शुरू करना है, और हर महीने करते हैं, ध्यान रखना सेल्फ एग्जामिनेशन का मेथड है, और कब करते हैं? एमसी के ब्लीडिंग के 7 से 10वें दिन पे। किस तरह से करते हैं? कुछ नहीं करना, फीमेल को सोवरिंग के बाद अपने हेयर को पीछे की तरफ पुट करना है, क्लियर है, और ये एरिया को पूरा मिरर के सामने एक्सपोज करना है, क्लियर है, मिरर नहीं भी हो तो चलेगा। क्या करना है? इस हाथ को इस तरह से रखना है, जिस हाथ का अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे मैं लेफ्ट का कर रहा हूं, तो लेफ्ट हार्ट को, गेटिंग माय पॉइंट, थैंक यू बेटा, लेफ्ट हार्ट को इस तरह से करना है, और ब्रिस्ट को इस तरह से रोटेट करना बेटा, रोटेट करोगे, क्लियर है, रोटेट करोगे तो लंप जो होगा वो आपको फील हो जाएगा, फिर इस हाथ को इस तरह करके इस तरह से बेटा, लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है, इस तरह से बीएससी करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अपन दोनों की साइज देखेंगे कि दोनों बराबर है, टेक्सचर मॉइस्चर अपीयरेंस दोनों ब्रिस्ट की बराबर है कि नहीं है, और हर महीने करते हैं कब? एमसी के 7 से 10वें दिन पे, क्लियर बेटा? आरी बास में आफ्टर बाथिंग इज द बेटर टाइम, कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? 7 से 10 दिन में बेटा हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मल होता, तो आपको सही अपीयरेंस पता चलेगी, क्लियर बच्चों? यस, अरे यहां तक बिफोर वाले गलत है, आफ्टर इज राइट आंसर बेटा, आफ्टर सोवरिंग करें माय पॉइंट। 7 से 10 दिन पे अपन एमसी का क्या करते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरे बोलिए बच्चों यहां तक, और करते कैसे हैं? जिसका आपको एग्जामिनेशन करना है उस हैंड को क्या करना बेटा, क्लियर है, फ्रंट ऑफ मिरर, जैसे ऐसे करना तो यू किया और इस तरह से, क्लियर, रोटेट वाइज मैनर, फिर इस ब्रिस्ट का किया तो इस तरह से। इसके अलावा दोनों ब्रिस्ट की फीमेल को देखना है कि बराबर साइज है कि नहीं है, टेक्सचर अपीयरेंस, कोई गांठ आंट सो लंप तो फील नहीं हो रहा है। अरे बस बिल्कुल 3 फिंगर से यूज कर सकते हैं पंकज, आई एम एग्री विद यू, यस बेटा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं? बीएसई, तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, और सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर इसी टेक्निक से पकड़े जाते हैं, क्लियर बच्चों? आरी बास में, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट दूसरा आता है मेमोग्राफी, क्लियर बच्चों? और ये बताओ बीएससी कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? तो स्क्रीनिंग किसके अंदर आती है? एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, और स्क्रीनिंग किसके अंदर आते हैं बेटा? सेकेंडरी में। ये क्वेश्चन भी हजार बार आ चुका है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है? आपका टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये किस तरह के लेवल के अपीयरेंस है? तो सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन है, कटिंग माय पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं होता भवनदीप, दोनों ब्रिस्ट बराबर ही होते बेटा। नेक्स्ट देखिएगा मोंटक मेमोग्राफी, क्लियर बेटा? आरिवास बेटा, ये 3D एक्सरे होता है एक तरह का बेटा, मेमोग्राफी मशीन के द्वारा। क्या होता है मेमोग्राफी बेटा? आरिवास में हाईली हाईली रिस्की वुमन, यानी जिसके फैमिली के अंदर ब्रिस्ट कैंसर की शिकायत है, उनका बेटा एवरी ईयर क्या करते हैं अपन? अरे एवरी ईयर क्या करते हैं? मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी भी बेटा स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट, ये कंफर्मेटिव नहीं है, यानी ये भी सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में माना जाएगा। हाईली रिस्की वुमन के अंदर एवरी ईयर करते हैं बेटा, एवरी ईयर करते हैं आरिवास में मेमोग्राफी, एक फिक्स समय पे मेमोग्राफी करते हैं, करेक्ट माय पॉइंट, मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी से आपका लंब का क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, मैंने इमेज बताई, नेक्स्ट देखिएगा ब्रेस्ट बायोप्सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट बायोप्सी, दिस इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कंफर्मेटिव
डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन सी होता है? ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए बायोप्सी जो निडल है वो कितना बेटा 16 से 18 गोज की यूज लेते हैं, क्लियर है? और सेमी ऑटोमेटेड टू ऑटोमेटेड बायोप्सी गन यूज करते हैं। टेलिंग माय पॉइंट, बायोप्सी जो गन की निडल है वो 16 से 18 गोज की और सेमी ऑटोमेटेड टू ऑटोमेटेड बायोप्सी गन का अपन यूज करते हैं ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए। बायोप्सी आपको करना है वो बेटा सर्जिकल आपका असेप्सिस टेक्निक से करना है और एक तरह से ओपीडी टाइप का प्रोसीजर है बेटा, क्लियर है? और ये जो ब्रेस्ट बायोप्सी करता है वो यूएसजी गाइडेड करते हैं। कैसी करते हैं? यूएसजी गाइडेड। इसके अलावा अदर ये कंफर्म होगा, क्लियर है? इसके अपन क्या करेंगे, जिस ब्रेस्ट में कैंसर हो रखा है उस जहां पे लीजन बना हुआ है उस टुकड़े को लेंगे वहां से बायोप्सी के थ्रू और अपन लैब में कल्चर के लिए भेज देंगे और वहां पता लग जाएगा अपन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके। इसके अलावा पेशेंट की यूएसजी से पता लग सकता है, सीटी स्कैन से पता लग जाता है, एमआरआई से पता लग जाता है आपका थ्री डायमेंशनल व्यू, क्लियर? यूएसजी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड मार्कर्स, ब्लड मार्कर्स या मैं कह सकता हूं ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर के अंदर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका ट्यूमर मार्कर है, क्लियर है? आरिबास में CA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15.3 CA का मतलब होता है कैंसर एंटीजन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका बेटा, CA 15.3 इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इज ए ट्यूमर मार्कर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर CA 15.3। और ये अब कैसा होता है कैंसर एंटीजन, CA का मतलब कैंसर, ब्लड सैंपल से लेते हैं अपन। ये बेटा किसको बताता है? एडवांसमेंट और ब्रेस्ट कैंसर को बताता है कि कितना एडवांस है या कैंसर हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा क्लियर बेटो, कोई पर्टिकुलर पोजीशन यूज नहीं होती बेटा, सुपाइन पोजीशन में ले लेते हैं जैसा डॉक्टर को फैसिलिटेट होता है, मोस्टली सुपाइन पोजीशन में लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ममता? नेक्स्ट देखिएगा CA 15 पॉइंट आपको कैंसर एंटीजन 15.3 इसका ट्यूमर मात्र को होता है किसका? ब्रेस्ट कैंसर का, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा CA 12.5 CEA आरिबास में 2-3 एंटीजन और इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, क्लियर? CA 19.9 भी इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका मेन अगर पूछे तो CA 15.3 होता है, क्लियर है? इसके अलावा CA 15.3 से ओवेरियन कैंसर का भी अपन क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन कर सकते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका ट्यूमर मार्कर। कोई डाउट बच्चों आरिबास में? क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हैं आप? मैमोग्राफी सीटी एमआरआई करके अपन इसको देख सकते हैं बेटा। और कंफर्म डायग्नोसिस कौन सी बेटा? आपकी बायोप्सी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा मैनेजमेंट, नेक्स्ट देखिएगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की अगर बात करें बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे किसकी बात करूं मैं? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस ट्यूमर है, क्लियर है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंटी एस्ट्रोजन ड्रग का यूज लेंगे अपन, और ड्रग ऑफ जो चॉइस रहेगी वो रहेगी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेमोक्सिफेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग यूज लेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस जो रहेगी ब्रेस्ट कैंसर में, अगर ब्रेस्ट कैंसर किसकी वजह से हो रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से, तो अपन टेमोक्सिफेन, क्लियर बेटा? इसके अलावा अदर ड्रग के अंदर रेनोक्सिफेन वगैरह ये भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टेमोक्सिफेन। और ये कैसे ड्रग होता है बेटा? एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है, एस्ट्रोजन हार्मोन को बॉडी से क्या करती है? कम, रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। करेक्ट माय पॉइंट, दिस इज एंटी एस्ट्रोजन ड्रग, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन, क्लियर है? इसके अलावा रेनोक्सिफेन, रेनोक्सिफेन नहीं होता रेलोक्सी, रेलोक्सिफेन वगैरह यूज करते हैं अपन, टेमोक्सिफेन रेनोक्सिफेन वगैरह। इधर क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा बेटा अपन ये तो अपन मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, बाकी ड्रग अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, कारण के अकॉर्डिंग, इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, अरे समझ में आ रही बच्चों? थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा अगर अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, ये बेटा रेगुलर बेस शुरू हो गया आज से, अपन ऑनकोलॉजी पढ़ रहे हैं, 7999 फीस है। अधिक जानकारी के लिए 8368 0666 0666 पे कांटेक्ट करें बेटा, थैंक यू। आज अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको क्रेश कोर्स 3999 का जो थ्योरी का क्रेश कोर्स जो 10 से 15 आपका जून से शुरू हो जाएगा, यानी 5-10 दिन बाद, वो आपका बेटा 100% मिलेगा। पहले 1 तारीख से कर रहे थे लेकिन समय बहुत ज्यादा है तो बच्चे बोर हो जाते हैं इतना लंबा पढ़ते, तो इसीलिए हमने 10-15 तारीख के आसपास रखा है और मटेरियल तैयार कर रहे हैं। मैं भी वापस पढ़ाई में लग गया हूँ, फोड़ देंगे, धुआं निकाल देंगे इस बार एम्स का, डोंट वरी।
गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिएगा, भागेगा एम्स तो अपने आगे आगे, रिलैक्सिफेन इज इट क्लियर ऑन नॉट? रिलैक्सिफेन वगैरह टैमोक्सिफेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अपन सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटा, सर्जिकल रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग अपन तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, लंपेक्टोमी। देखिएगा लंपेक्टोमी का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वेरी ब्रेस्ट लिंप, जहां पे लंप है उसको निकाल दो, ये तो क्या कहलाता है, लंपेक्टोमी। अरे क्या कहलाता है, लंपेक्टोमी, जो जहां पे आपका लंप बना हुआ है, ट्यूमर बना हुआ है, उसको निकाल दो, आउटर और अपर क्वाड्रेंट में होता है, इसे तो क्या बोलते हैं, लंपेक्टोमी। अरे बारी बस एक्साइज और रिमूव कर देते ट्यूमर को। अरे कोई डाउट है बेटा? क्लियर बच्चों? एक होता है क्वाड्रेनेक्टोमी, क्वाड्रेनेक्टोमी, क्वाड्रेनेक्टोमी क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ क्वार्टर्स ऑफ अफेक्टेड ब्रिट। अरे चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं अपन, क्वाड्रेंट ऑफ अफेक्टेड ब्रिट चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं, तो मान लो अपर और आउटर में होता, तो इसी को पूरे क्वार्टर को क्या करते थे अपन, रिमूव कर देते बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा होता है सिंपल मास्टेक्टोमी। क्लियर है? रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रिस्ट, पूरे ब्रिस्ट को बाहर निकाल देंगे, लेकिन लिम्फेटिक सप्लाई वगैरह को इनको बाहर नहीं निकालेंगे बेटा। क्लियर है? रिमूवल ऑफ ब्रिस्ट। क्रेस है आरिबास। क्लियर है? यानी अपन इसमें क्या करेंगे, सिंपल मास्टेक्टोमी में, मास्टेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ ब्रिस्ट, इसमें क्या करेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू, एरियोला और निपल को तो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बेटा, इन तीनों को तो क्या कर देंगे, रिमूव, और जो लिम्फ नोड है उनको अपन छेड़ेंगे नहीं, उनको बाहर नहीं निकालेंगे, ये क्या कराते हैं, सिंपल मास्टेक्टोमी। लिम्फ नोड को नहीं छेड़ेंगे, किस किस को, ब्रिस्ट के टिश्यू, एरियोला और निपल, आपका निपल वगैरह को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, दिस इज जस्ट सिंपल मास्टेक्टोमी। क्लियर बेटा? चले आगे बेटा, नवेश बेटा अधिक जानकारी के लिए 8368016018 पे कॉन्टेक्ट करें, आपको अच्छा मिलेगा बेटा डिस्काउंट, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़िएगा बस, आप मुझे सिलेक्शन दीजिएगा, हेडिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा आज बस बेटा, एक होती है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसमें अपन ने पढ़ता है रेडिकल का मतलब लिम्फ नोड को निकालना, इसमें क्या करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट विद रीजनल लिम्फ नोड रिमूवल। रीजनल मतलब जो ब्रेस्ट के जो रीजनल लिम्फ नोड है, ब्रेस्ट को जो लिम्फेटिक सप्लाई हो रही है, उनको भी क्या कर देंगे बेटा, अपन बाहर निकाल देंगे, दिस इज द मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। और ये इसका मकसद क्या होता है, टू प्रिवेंट मेटास्टेसिस, इसका मेन मकसद क्या रहता है, मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करना। एज इट क्लियर नॉट? दिस इज टू प्रिवेंट रेडिकल मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और संलक्षण, यहां तक कोई डाउट है? अब मास्टेक्टोमी करने के बाद अपन क्या देंगे बेटा, एंटी कैंसर ड्रग। क्लियर बेटा? अरे कौन से ड्रग देंगे, एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग के अंदर अपन अलग अलग यूज कर सकते हैं बेटा, जैसे अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बो यूज कर सकते हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लोफोस्फेमाइड, ये कैसे काम करती है वो तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, साइक्लोफेमाइड प्लस आप क्या दे सकते हो, डॉक्सीरुबिसिन वगैरह दे सकते हो, एंटीबायोटिक होती है ट्यूमर एंटीबायोटिक होती है, डॉक्सीरुबिसिन साइक्लोमेक्सन इनका कॉम्बो दे सकते हैं, साइक्लोफोस्फेमाइड और डॉक्सीरुबिसिन का कॉम्बो दे सकते हैं आप बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे बोलो भाई, क्लियर है? इसके अलावा या आप दे सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथोट्रेक्सेट प्लस 5-फ्लोरोयूरेसिल, इन दोनों ड्रग को साथ दे सकते हो बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपकी एंटी कैंसर ड्रग होती है, साइक्लोफोस्फामाइड वगैरह डॉक्सीरुबिसिन या मेथोट्रेक्सेट प्लस फ्लोरोक्सन, मोस्टली जो मानते हैं बेटा अगर एंटी कैंसर ड्रग पूछे तो डॉक्सीरुबिसिन, अगर यू पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ब्रेस्ट कैंसर में, कैंसर ड्रग पूछे, नॉर्मली यू पूछे कि एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस्ड ट्यूमर में ड्रग ऑफ चॉइस तो टैमोक्सिफेन, लेकिन आपको ये पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो क्या रहेगी, डॉक्सीरुबिसिन, ये मोस्टली यूज होती है हॉस्पिटल में। गेटिंग माय पॉइंट? D5W में मिक्स करके देखते हैं इसको, D5W में डॉक्सीरुबिसिन लाल कलर की आती है, मेथोट्रेक्सेट क्लियर है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोस्ट कॉमनली आती है, बहुत महंगा इसके बाद आया, इसका ड्रग का नाम है ट्रांस सुमन, क्लियर है? ट्रांस सुमन नाम का इंजेक्शन आता है जिसको बहुत कॉशनली देना पड़ता है, इसको देने से पहले वाइटल वगैरह बीपी वगैरह चेंज करना पड़ता है हर आधे घंटे के अंदर,
क्लियर हाइड्रेशन थेरेपी देनी वगैरह पड़ती है, ट्रांसफ्यूजमेब क्लियर है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है बेटा, तो ये भी अपन यूज करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारा आपका लंबा ट्रीटमेंट चलता है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, आ रही बात समझो, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, क्लियर बच्चों। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी के अंदर बेटा ब्रेकी और टेली, ब्रेकी एंड टेली थेरेपी का यूज करते हैं बेटा, क्लियर बच्चों। अब एक क्वेश्चन आ चुका है, किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर का रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, तो रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो बेटा स्किन के इरिटेशन अराउंड स्किन, स्किन के चारों तरफ क्या होगा, इरिटेशन होगा या प्रुराइटिस होगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी ड्यूरिंग ब्रेस्ट ब्रेकी थेरेपी या टेलीथेरेपी। ब्रेकी के अंदर इंटरनल इम्प्लांट से करेंगे और टेलीथेरेपी में अपन एक्सटर्नल इम्प्लांट से करेंगे बेटा, तो ये मेजर क्या है, मैनेजमेंट है, बाकी और पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट आ जाइए बेटा नर्सिंग मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से पहला क्वेश्चन बनते हैं, आफ्टर मास्टेक्टोमी पोजीशन ऑफ चॉइस, क्लियर, चॉइस ऑफ पोजीशन मास्टेक्टोमी के बाद पोजीशन ऑफ चॉइस क्या बताइए, यानी सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अरे खरपतवार सब निमट जाएंगे, पढ़ने वाले बचेंगे, क्योंकि मेरे को जलने के लिए ताकत चाहिए, इंटरनल दिमाग चाहिए। प्रेडनिसोन वगैरह तो बेटा कीमोथेरेपी इफेक्ट को कम करते हैं, थैंक यू अमन गुप्ता, स्पीड होना जरूरी है बेटा, अपन एम्स की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए, जल्दी कमेंट करो भाई, चॉइस ऑफ पोजिशन क्या, पुट इट फास्ट डियर, पुट इट फास्ट, चॉइस ऑफ पोजिशन क्या है, बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी आपकी, गलत जवाब, कूपन लेटर पोजीशन कहां से देंगे, बोलिएगा जल्दी कमेंट कीजिएगा, देखिएगा पोजीशन ऑफ चॉइस तो रहेगी बेटा आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेमी फाउलर, बट टर्न लेटरल ऑन अनअफेक्टेड साइड, ये पूरी पोजिशन है इस तरह से, लेकिन पोजिशन अगर आपको पूछे या तो यू कहे कि लेटरल टर्न हो जाए, या तो सेमी फाउलर पोजिशन उसके अंदर भी क्या करेंगे टर्न अप, यानी पेशेंट को सेमी फाउलर तो रखेंगे लेकिन अनअफेक्टेड साइड में थोड़ा क्या कर देंगे टच, जैसे आपने राइट ब्रिस्ट की सर्जरी करी है तो तुम लेफ्ट में थोड़ा टर्न कर दो लेकिन उसका सिर क्या रहेगा एलिवेटेड रहेगा सेमी फाउलर, तो कौन सी पोजिशन दोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरिबास में तो डाउट है बेटा, आरिबास में सेमी फाउलर पोजिशन बट टर्न लेटरल ऑन अनअफेक्टेड साइड, इज इट क्लियर और नॉट, दिस इज द पोजिशन ऑफ चॉइस। नेक्स्ट देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफेक्टेड साइड हेड सॉरी हैंड ऑलवेज केप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबोव हार्ट बाय पिलो या किसी और मेजर से टू प्रिवेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैंड स्वेलिंग एंड लिम्फोएडिनोपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड हैंड स्वेलिंग एंड लिम्फो एडिनोपैथी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे राइट ब्रिस्ट का आपका राइट ब्रिस्ट है बेटा, क्लियर बेटा, अरे बस में राइट जो ब्रिस्ट है मान लो राइट ब्रिस्ट के अंदर अपन सर्जरी करी तो आपका अफेक्टेड एंड आपका जो हैंड है ये वाला ये हार्ट से ऊपर होना चाहिए ताकि वेनस रिटर्न बराबर हो चुके, वरना लिम्फेटिक ड्रेनेज आपकी सप्लाई थोड़ी कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगी सर्जरी की वजह से, तो हाथ में लिम्फ नोडोपैथी और स्वेलिंग हो सकती है, इसलिए जैसे पेशेंट सेमी फाउलर में बैठा है और इतर दो सारे तके लगा के और हाथ को उसको इस तरह से बिठा के रखना आपको, इज इट क्लियर और नॉट, गुड मॉर्निंग बेटा, और हार्ट के लेवल से ऊपर रखना किसको, आपका बेटा हैंड में स्वेलिंग ना हो, ये भी क्वेश्चन आ चुका, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पोजिशन वाले दोनों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर में, इज इट क्लियर और नॉट, तो विनस ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए लिम्फोएडिमा को रोकने के लिए अपन यूज करते हैं, क्लियर बच्चों, आरिबास में क्लियर बच्चों, क्लियर। इसके अलावा एनक्रेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, एनक्रेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए पेशेंट को क्या करें, एनक्रेज करें, ऐसा करने से क्या होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर होगा आपका, क्लियर बेटा, मैनेज पेन, पेन को क्या करें बेटा, मैनेज करें, आरिबास में लाइक आप पेन किलर वगैरह यूज कर सकते बेटा। नेक्स्ट देखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्टली अवॉइड आईवी लाइन, क्लियर है,
कैनुला कोई भी, आर्टेरियल लाइन, मेरी बात समझे, आर्टेरियल लाइन, बीपी टेकिंग, क्लियर, और एनी प्रोसीजर इन अफेक्टेड हैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइड में अफेक्टेड साइड हैंड, जैसे राइट ब्रिस्ट की आपने सर्जरी करी तो राइट ब्रिस्ट का जो साइड है ना बेटा, कैट माय पॉइंट, राइट ब्रिस्ट की जो साइड है, जैसे इस हाथ में कभी भी राइट ब्रिस्ट में कैंसर हुआ, मास्टेक्टोमी करी तुमने राइट साइड की, तो इस हाथ में कभी भी ना तो केलना लगाना है, ना बीपी लेनी है, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, किसमें, आरबास में। अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर है, तो अफेक्टेड हैंड के अंदर कोई भी आपको वेनी बीपी नहीं लेनी है, वेनी पंचर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना उस अफेक्टेड हार्ट में, उसको हमेशा क्या रखना है, आपका लिमिटेड रखना है आरिबास में, जब तक कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है आरिबास में। इसके अलावा ब्रिस्ट तुमने रिमूव कर दिया तो थोड़ा आपको पता है, जैसे फीमेल का ब्रिस्ट रिमूव कर दिया तो थोड़ा सा उसको गिल्टी फील होगी, यानी जो जो फिजिकल जो सौंदर्यता है वो खत्म होगी, तो अपन क्या करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या करेंगे, जैसे इस तरह की आजकल फिटेड टाइट ब्राज आते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ब्रिस्ट लगा होता है आरिबास में, तो वो अपन, या अपन प्रोस्थेटिक ब्रिस्ट परमानेंट चिपका सकते हैं अपन आर्टिफिशियल स्किन के कलर का, आजकल ऐसे इस तरह के आते हैं, तो अपन प्रोस्थेटिक भी यूज करेंगे ताकि उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ना हो। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, आरिबास में क्लियर है, आरिबास में। इसके अलावा असिस्ट द साइट फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वेलिंग, ड्रेनेज और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह होगा तो फीवर से घबराहट वगैरह होगी, नोजिया वोमिटिंग होंगे, क्लियर है। इसके अलावा जो ड्रेनेज आ रहा है उसका कलर देखना, और उस साइट में ज्यादा स्वेलिंग तो नहीं है, ये भी आपको क्या करना, असिस्ट करना। नेक्स्ट देखिएगा, यूज पेनरोज ड्रेन टू सिक्रेशन। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सिक्रेशन को ड्रेन करने के लिए अपन पेनरोज वगैरह ड्रेन वगैरह लगाते, तो उनको क्या करना बेटा, आपको केयर करना बेटा उनकी अच्छे से, क्लियर बेटा, अच्छे से क्या करनी, पेनरोज ड्रेन या जैक्सन प्लेट ड्रेन वगैरह जो भी लगा रहे हैं उनकी अच्छे से क्या करनी, आपको केयर करनी है, पेशेंट को इन्फेक्ट नहीं होने देना है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इस सीरीज में देखिएगा, क्लियर है, क्लियर है, और साइट को आपको अच्छे से असिस्ट करना है, सुचर वगैरह रिमूव कराना है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कॉम्प्लिकेशन, बेटा थोड़ा ये पोजिशन का ध्यान रखना और हैंड को एलिवेटेड रखना बेटा। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में बेटा एक तो हाइपर कैल्सीमिया होता, अब देखिएगा कैसे, क्लियर बेटा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोन बोन ब्रेन लंग्स के अंदर क्या हो सकता है बेटा, मेटास्टेसिस हो सकता है इस कैंसर का, अब देखिएगा कैसे, देखिएगा हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है बेटा, देखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं बिल्कुल ड्रग के साइड इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, जैक्सन प्लेट ड्रग आल्सो यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आरिबास में, क्लियर बेटा, जैक्सन प्लेट ज्यादातर यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अब बताओ क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रेस्ट, नॉर्मली जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना, कोई भी कैंसर हो, नॉर्मल जो कैंसर होते हैं ना, चाहे लंग हो लिवर हो, नॉर्मल जो कैंसर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया रहता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या रहती है, कमी, पता नहीं किस कारण से होती है, लेकिन कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है इसलिए मेटास्टेसिस बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम दो सेल को आपस में बांध के रखता है, दो सेलों को आपस में बांध के रखने का काम किसका, कैल्शियम का, अब कैल्शियम की कमी होगी तो मेटास्टेसिस ज्यादा होगा, यानी मेटास्टेसिस वाले केसेस में हाइपोकैल्सीमिया होता है, लेकिन ब्रेस्ट वाले कैंसर एक अपवाद है, ब्रेस्ट कैंसर आपके बोन कैंसर हुआ, क्लियर, इनके अंदर हाइपरकैल्सीमिया होता है, क्यों, क्यों, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसीरियस सेल रिलीज पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन पीटीएच, पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन पीटीआरएस रिलीज करती है, पीटीआर पे रिलीज करती है, पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन रिलीज करती है कौन, ब्रिस्ट कैंसरियस सेल, क्या रिलीज करती है, पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन रिलीज करती है, कौन सी सेल आपकी, ब्रिस्ट कैंसर की सेल। अब ये पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन किसकी तरह काम करता है, पैराथार्मोन की तरह, और पैराथार्मोन बढ़ता है इनक्रीज पीटीएच की तरह काम करता है, तो बताओ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इंक्रीज आपका कैल्शियम, इसीलिए ब्रिस्ट कैंसर में हाइपरकैल्सीमिया होता है, क्यों, क्योंकि ब्रिस्ट कैंसर की जो सेल होती है ना, वो आपकी कैंसर सेल है तो कुछ भी बना सकती है, तो वो सेल क्या बनाती है, पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, यानी इस तरह का प्रोटीन बनाती है जो पीटीएच हार्मोन की तरह होता है, और वो पीटीएच हार्मोन की तरह ही काम करता है, कैंसरियस सेल एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल कुछ भी बना सकती है, हालांकि पीटीएच बनाना किसका काम है, पैराथार्मोन ग्लैंड का, लेकिन यहां से भी थोड़ा उस तरह का प्रोटीन बनेगा, और वो क्या करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा,
रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसकी वजह से कैल्शियम की बॉडी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, इसलिए हाइपर कैल्शियम होगा बेटा। क्लियर है? अरे कोई डाउट है? सो दिस इज द होल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। अब बताओ कोई क्वेश्चन आपको पूछना ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड तो आपके क्वेरी आमंत्रित है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मोस्टली राइट ब्रेस्ट आउटर अपर क्वाड्रेंट, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पर न्यूली प्रेस और अर्ली में ज्यादा कॉमन होता है। एस्ट्रोजन इंड्यूस के अंदर टैमोक्सिफेन रहता है बेटा, और नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीरुबिसिन रहती है। एंटी कैंसर ड्रग में पोजीशन ऑफ चॉइस सेमीफाउलर विद लेटरल टर्न ऑन अनअफेक्टेड साइट, और अपेसा आपको एक्सट्रीमिटीज जिस आपने सर्जरी करी है उस एक्सट्रीमिटीज को, जिस साइड में आपने मास्टेक्टोमी करी है उस साइड के आपका अपर एंड को, अपर एक्सट्रीमिटीज को आपको हमेशा हार्ट के लेवल से एलिवेटेड रखना है। क्लियर है? ताकि एडिमा ना हो और हाइपरकैल्शियमिया वगैरह होगा। इज इट क्लियर और नॉट? आरी बात बच्चों? तो ये तो बात होगी आपके किसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर में, और मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है पूरी इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में फीमेल के अंदर बेटा, आरी बात में, जबकि मेल के अंदर कौन सा होता है, इंडिया के अंदर ओरल कैंसर और दुनिया के अंदर लंग कैंसर होता है बेटा। तो ये तो हुई बात बेटा, बेटा ब्रेस्ट कैंसर आपका ऑन्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और जब अपन इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बाकी के ब्रेस्ट कैंसर के क्वेश्चन अपन पूरे बता देंगे बेटा। कोई डाउट है बेटा? क्लोमिफेन सिट्रेट भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। हाइपरकैल्शियमिया क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो कुछ इस तरह के सब्सटेंस बनाती है जिनको क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन, जो पीटीएच की तरह काम करते हैं। अब कैंसरस सेल कुछ भी बना सकती है, तो एबनॉर्मली सेल पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन बनाएंगे तो पीटीएच बढ़ेगा, और पीटीएच बढ़ेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए हाइपरकैल्शियमिया होगा। नो डाउट बेटा? बिल्कुल बेटा, उस एंड से लाइफ टाइम बीपी नहीं लेनी है, वेनी पंचर नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं करना है जिस साइड में मास्टेक्टोमी हुई है। क्लियर बेटा?